إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال تعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي मैं आप सब भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूं हमारे आज के इस हदीस वर्कशॉप में। इस वर्कशॉप में हम इंशाल्लाह हदीस के ताल्लुक से एक बहुत ही सिंपल आसान अंदाज में एक इंट्रोडक्शन देखेंगे। हदीस क्या है, हदीस सही कैसे हो जाती है, ज़ईफ कैसे हो जाती है, और इंशाल्लाह कई सारे जो कॉमन गलतियां हैं, मिसकंसेप्शन हैं, जो गलत फहमियां हैं, हम इंशाल्लाह हदीस के ताल्लुक से ये सब भी इस क्लास के अंदर देखेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हदीस के बारे में मुसलमानों का रवैया क्या है। मोटे तौर पर चार किस्म के एटीट्यूड्स हमें मिलते हैं हदीस के ताल्लुक से। फर्स्ट एटीट्यूड ये होता है, और वो चार एटीट्यूड बताने से पहले क्यों ना मैं आप सबसे सवाल पूछूं। यहां पोल में हम एक पोल से शुरुआत कर रहे हैं। पोल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पहला पोल है इस आज की क्लास का, चलिए आप लोगों के सामने है कि हदीस के ताल्लुक से हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए। नंबर वन, सब के सब हदीस बिना तहकीक सिर्फ सब के सब कबूल कर लेना चाहिए, फर्स्ट एटीट्यूड, या सब के सब रिजेक्ट कर देना चाहिए, इनकार कर देना चाहिए। थर्ड है, जो अच्छी लगे वो सब कबूल करना चाहिए, जो भी अच्छी लगे। और फोर्थ है, जो साबित है वो कबूल करना चाहिए। चार और पांचवा एक ऑप्शन मैंने वहां दिया है आई डोंट नो, कि अगर आपको नहीं पता है तो आप आई डोंट नो क्लिक कर सकते हैं। जी, तो ये मैंने आपके लिए ये ऑप्शन रखे हैं, आप सब क्लिक करें। आपको 5 सेकंड का वक्त मिल रहा है। कुछ ना समझ में आए तो कम से कम आई डोंट नो पे क्लिक करिए, ताकि आप इसमें कम से कम इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व होंगे। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो जरूर आप जो आपको समझ में आ रहा है उस मुताबिक आप करें। 3, 2, 1। ठीक है, एंड पोल रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर है, और 92 से 93% स्टूडेंट्स ने ये कहा है कि हम जो साबित है वो कबूल करेंगे। बास स्टूडेंट्स ने कहा है कि 4 to 6%, 4 से 6% ने कहा है सब के सब कबूल करेंगे। तो ये जो चार एटीट्यूड्स आप देख रहे हैं ना, ये सब चार आज उम्मत में है। आइए देखते हैं सही क्या है। हाँ, सही क्या है वो हमारे हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वो लोग जो कहते हैं हर चीज उन्हें हदीस के नाम में आप कुछ भी दे दो, जो भी देंगे सब के सब कबूल है, सब के सब कबूल है, और हदीस हो बस, हदीस बोल दो, हदीस में आया है सिर्फ, सब आंखें बंद करके कबूल। क्या ये बात सही है गलत है? ये बात सही है गलत है? तो ये तो ऐसा है कि सोना खरीदने में आदमी चेक ही नहीं करे सोना है तो प्योर है कि नहीं है। जैसे आप जानते हैं एक होता है प्योर गोल्ड और एक होता है नकली। अब देख रहे हैं आपके सामने एक इमेज है, कोई चीज होती है चमकती है लेकिन सोना नहीं होती है, बस ऊपर से पानी चढ़ा है, कवर चढ़ा है। तो सही बात तो यह है कि वो इसके अंदर सोना चेक करना क्यों इंपॉर्टेंट समझते हैं लोग मालूम है? क्योंकि दुनिया में लॉस हो जाएगा। दुनिया बहुत कीमती है लोगों के लिए, दुनिया इतनी कीमती है कि दुनिया के लिए वो लॉस नहीं चाहते कि उनका लॉस हो, इसी वजह से वो लोग जरूर चेक करते हैं। लेकिन जहां दीन है, दीन की इतनी कीमत कहां है, और इसी वजह से बस जो भी है कबूल कर लो, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें चेक करना चाहिए। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कदब अलैया मुतअम्मिदन, जो जानबूझकर मुझ पर झूठ बोले फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, वो अपने लिए जहन्नम में ठिकाना बना ले, जगह बना ले, मतलब उसकी तो जगह बुक हो गई। यहां पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में झूठ मंसूब करता है, झूठी बात कहता है, ये एक इतना बड़ा गुनाह है कि उस शख्स के लिए जहन्नम की आग में जगह कंफर्म हो जाती है उस वजह से।
अल्लाह हू अकबर, कितनी सीरियस बात है। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मामला ये है कि ये जो एटीट्यूड है कि कुछ भी आए वो लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि ऐसे झूठे कज़्ज़ाब लोग आए हैं, ऐसे लायर्स आए हैं, उन्होंने इस्लाम के मैसेज को सैबोटाज करने की कोशिश की, उसको एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन की तरफ घुमाने की कोशिश की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में झूठी बातें गढ़कर। आपको पता है कि पिछले प्रॉफिट्स, पिछले नबियों के नाम में हम देखते हैं कि उनके फॉलोअर्स ने नई बातें गढ़े, यहां तक कि ईसा अलैहिस्सलाम जो प्योर रिलीजन इस्लाम का लेकर आए थे वो रिलीजन बाकी नहीं रहा, मूसा अलैहिस्सलाम जो दीन लेकर आए थे वो इस्लाम लेकर आए थे, इस्लाम बाकी नहीं रहा। लेकिन हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने इस दीन की हिफाजत की। यहाँ पे भी लायर्स आते हैं, यहाँ पे भी झूठ बोले आते हैं, लेकिन पकड़े जाते हैं। ये प्रिजर्व रिलीजन है, ये एक महफूज दीन है। तो हमें ये बात मिलती है इस्लाम दीन के ताल्लुक से। तो ये फर्स्ट एटीट्यूड गलत है। और एक और हदीस हम देखते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की, यकूनु फी आखिरी जमान, आखिरी जमाने में ऐसे लोग आएंगे, दज्जालून कज्जाबून, जो उस वक्त के जैसे के दज्जाल होंगे, झूठे होंगे, बुरे लोग होंगे, यातूनकुम मिनल अहदीथी बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम, ऐसी ऐसी हदीसें लेके आएंगे जो ना तुमने ना तुम्हारे बाप दादा ने सुनी। मतलब सहाबा इकराम के जमाने से कुरान हदीस में नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में नहीं है, साबित शुदा नहीं है, नई नई चीजें गढ़ेंगे। फैयाकुम वैयाहुम, तुम उन लोगों से बचना और वो लोगों को भी अपने से दूर रखना। ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम, वो तुम्हें गुमराह ना कर दे, ना तुम्हें फितने में डाल दे। तो मेरी बहनें, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे भाई बहन, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई है, और हमें इस चीज के ताल्लुक से आगाह रहना चाहिए, हमें वॉर्न्ड रहना चाहिए इस चीज के ताल्लुक से। हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा एटीट्यूड। अब ये लोगों के एक्सट्रीम को देखकर दूसरी तरफ दूसरे लोग ऐसे आए, जब उन्होंने देखा कि अरे हदीस के नाम में कुछ भी आए, सही हो, ज़ईफ हो, मौज़ू हो, झूठ हो, गड़ी हुई बात हो, सब चीज है, एक्सेप्ट करने वाले लोग हैं। तो दूसरे एक्सट्रीम में ऐसे लोग आए जो सब चीज रिजेक्ट कर देते, बोले हदीस ही नहीं चाहिए, कुरान ही काफी है। मतलब उनका कहना है हदीस की जरूरत नहीं है, सिर्फ कुरान काफी। अब ये बात कैसे ही गलत है? ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसकी कई वजह है, और मैं आज के लेक्चर में आप सबके सामने 6 रीजंस शेयर करूंगा इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद। और मैं आप सबको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी इंशाल्लाह याद करें ये रीजंस को इंशाल्लाह, लेकिन जब हम शुरू करेंगे तब। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं, थर्ड एटीट्यूड। बास लोग ये कहते हैं कि जो अकल में आया मैं वो कबूल करूंगा, जो अच्छा लगता है वो कबूल करूंगा। लेकिन हकीकत क्या है ना कि अकल में कई बार गलत गलत बातें भी आ जाएगी, और सही बात भी हो सकता है किसी इंसान की अकल में ना आए। क्योंकि यहाँ क्या मामला है कि दीन की बुनियाद अकल पर नहीं है। अब जैसे अकल में कोई आदमी सोचे कि सुबह फजर में फ्रेश फ्रेश होते हैं 2 रकात नमाज है, और रात में ईशा में थोड़े से हम लोग थके होते हैं तो वहां 4 रकात फर्ज है ईशा की। लेकिन बात क्या है मामला मालूम है? अल्लाह जानता है, हम नहीं जानते। ये ऐसी चीज नहीं जो अकल से हम परख सकते हैं, क्योंकि हमारी अकल लिमिटेड है। अल्लाह अल हकीम है, ऑल वाइज है। अल्लाह जानता है किस वक्त पे हमें क्या चीज कितनी चाहिए, क्या चीज हमारे लिए बेहतर है, अल्लाह जानता है, हम नहीं जानते। ही नोज कि भाई वो इंसान जो दिन भर थक के आया है या वो टाइम पर, उसके लिए ये बेहतर है, अल्लाह जानता है। और सुबह के वक्त पर लंबी तिलावत करना और लंबी रकात पढ़ना बेहतर है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो एटीट्यूड है ना कि जो अकल में आया, ये एक्चुअली सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर जो चीज जो चमकती हुई लगती है, हाँ, वो सोना नहीं होती। मतलब एक होता है परखने का तरीका, परखने का तरीका एक यह है कि भाई शाइन हो रहा है, ये तरीका सही नहीं है। अरे भाई शाइन हो रहा है, लेकिन फेक गोल्ड भी कई बार अच्छा शाइन हो रहा होगा, और प्योर गोल्ड हो सकता है नहीं प्रॉपरली शाइन हो। शाइन के ऊपर जजमेंट नहीं होता है, जजमेंट होता है तो दूसरी चीज पे होता है। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। बाज लोग मैग्नेट से टेस्टिंग करते हैं, बाज लोग रफ तरीके से मैग्नेट से टेस्टिंग करते हैं सोने की, भाई वो अगर सोना है प्योर गोल्ड है तो मैग्नेट के पास नहीं आएगा, खिंचावा नहीं आएगा। हाँ, और एक स्कैम भी हुआ था, इस तरह से पकड़ा गया था कि फेक गोल्ड के लोग नेकलेसेस शॉपकीपर्स को बेच रहे थे, और शॉपकीपर्स जो बिल्कुल रफ तरीके से चेक करते थे सिर्फ मैग्नेट लेकर, तो ऐसे ऐसे चीजें थी जो पुल नहीं होती थी, क्योंकि फेक जो चीज होती है वो कई बार फेक मेटल पुल हो जाता है। तो ऐसे फेक बीड्स जो प्योर गोल्ड नहीं था, ऐसा भी एक स्कैम हुआ था। लेकिन फैक्ट क्या है आपके सामने दलाल में, मैं एक मजबूत दलील रखना चाहता हूँ। किस बात की दलील? कि अकल पे दलील नहीं है, अकल की बुनियाद नहीं है। देखिए कुरान की आयत, इब्लीस ने जब अल्लाह के सामने कहा कि मैं सजदा नहीं करूंगा आदम के आगे, तो अल्लाह ने जब इब्लीस से पूछा तो इब्लीस का आंसर पढ़िए। उसने कहा काला मा मना का, अल्लाह ने कहा इब्लीस से मा मना का अल्लाह तस्जुदा इज़ा अमरतुका, कि तुमने क्यों सजदा नहीं करना चाहते हो जब मैंने तुम्हें हुक्म दिया। काला अना खैरुम मिन्हु, मैं आदम से बेहतर हूं,
आदम से मैं बेहतर हूं। खलकतनी मिन नारी व खलकतहु मिन तीन, अल्लाह तूने मुझे आग से बनाया, उसको मिट्टी से बनाया। तो इबलीस की अकल में ये आ रहा है, मैं आग हूं, आग से बनाऊं, ये मिट्टी से बनाया, मेरा हायर पोजीशन है। और आग जब जलती है तो ऊपर की तरफ जाती है, मिट्टी तो नीचे जाती है, मैं क्यों झुकूं। मिस्टेक क्या किया इबलीस ने मालूम है आपको? गलती उसकी ये थी कि उसे ये सोचना चाहिए था कि अल्लाह अल अलीम है, ऑल नोइंग है, वो आसमान जमीन का बनाने वाला है, वो कायनात का बनाने वाला है, उसने हमें बनाया, आपको मुझे बनाया, इबलीस को बनाया, वो क्रिएटर है, वो हर चीज का कंट्रोलर है, अल अलीम है, ऑल नोइंग है, अल खबीर है, हर चीज की खबर है, अल हकीम है, मोस्ट वाइज है। जब उसने कहा तो उसके अंदर विजडम है, वो जानता है हम नहीं जानते। इबलीस को सरेंडर करना चाहिए था अपनी मर्जी अल्लाह की मर्जी के आगे, उसे समय सरेंडर करना चाहिए था, किया उसने सरेंडर नहीं किया। क्या किया वो? बगावत पे उतरा, इस तरह की बातें किया। तो हुआ क्या? गुमराह हो गया, इबलीस बन गया यहां से शैतान, इबलीस गुमराही में चला गया। क्या किया उसने? उसने ये किया कि अपनी अकल को ऊपर रखा। तो यहां पर मैं आप सबके सामने एक बहुत अहम सवाल दूंगा अभी, और वो सवाल से पहले एक मिनट, हाँ सवाल यहां ये कि वही की दो किस्में, वही है मतलूब, वही है गैर मतलूब। अगर किसी को हम मेरी आवाज क्लियर ना सुनाई दे तो आप ये करें कि एक बार एग्जिट करके एंट्री करें, और क्योंकि हम लोग, मैं लीज लाइन इंटरनेट पे हूँ और आई थिंक इंशाल्लाह अच्छा होगा, और यहाँ पे हम लोग एक टेस्टिंग भी की है तो दोनों तरफ साउंड अच्छा है। किसी को अगर डिफिकल्टी हो रही है तो एक बार एग्जिट करके फिर से एंट्री करिए इंशाल्लाह, हाँ, और खुद का भी नेट एक बार चेक कर लें इंशाल्लाह। ओके, तो वही में दो टाइप की वही है, एक है वही मतलूब, एक है वही गैर मतलूब। वही मतलूब वो वही जो तिलावत के जरिए आती है, और वही गैर मतलूब वो वही जो तिलावत रेसिटेशन के जरिए नहीं है। जैसे हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, ये हदीस, ये आयत देखिए कुरान की, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा, नबी अपने ख्वाहिशात से नहीं बात करते, इन हुवा इल्ला वहयुन युहा, ये वही है जो उन पे नाज़िल हुई। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो कुछ बताया वो कोई अपनी ख्वाहिशात से नहीं बताया, अपने डिजायर से नहीं बताया, उन्होंने वही के तहत बताया। ये एक वही के तहत उन्होंने बताया कि क्या करना है हमें, क्या नहीं करना है। मिसाल के तौर पर नमाज में कितनी रकातें पढ़नी है, फास्टिंग रोजा हमें कौन से महीने में रखना है, कौन से क्या वक्त से क्या वक्त रखना है, ज़कात कितने परसेंट देना है, ये सब चीजें जो हदीस में जो डिटेल्स आती है वो सब कहाँ है? वो सब चीजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद की ख्वाहिशात से नहीं बताया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही के तहत बताया। तो वही की दो कैटेगरीज है, वही जो रिसाइट की जाती है यानी कि कुरान, जिसके रेसिटेशन में तिलावत में अज्र है, और वो वही जिसकी तिलावत नहीं की जाती है लेकिन वो वही है, वो है हदीस। अब ये दोनों के बारे में मैं आपके सामने एक बात रख रहा हूं कि हमारी अकल कहाँ आएगी। अकल क्या, अकल का पहले तो हमें सवाल ये उठता है कि क्या इस्लाम में अकल के इस्तेमाल की इजाजत है? नहीं है। बहुत ही सोच समझ के जवाब दीजिए। हाँ, ये पोल आपकी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, और बहुत ही इसमें बहुत ही वाइज बात आपको इंशाल्लाह मिलने वाली है, सोच समझ के आप जवाब दीजिए। और पहला सब पहला ऑप्शन कि हाँ इस्लाम में अकल के इस्तेमाल की इजाजत है, नंबर दो नहीं है, नंबर तीन हाँ लेकिन उसकी लिमिट जानकर, नंबर चार आई डोंट नो। चलिए चार ऑप्शंस है, आप लोग क्लिक करिए। किसी स्टूडेंट को अगर वोटिंग करने में डिफिकल्टी हो रही है तो जूम के ओल्ड वर्जन में वोटिंग सपोर्टेड नहीं है, आपको जूम का लेटेस्ट वर्जन अपडेट करना होगा प्ले स्टोर में जाकर, इसीलिए आप वोट नहीं कर पा रहे होंगे। जी, मैं बाकी स्टूडेंट से वोट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चार सेकेंड मिलेंगे आपको, 4, 3, 2, 1 एंड पोलिंग रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर। और ये रिजल्ट्स में आप देख सकते हैं 67% ने लोगों ने कहा कि हाँ कर सकते हैं लेकिन लिमिट जानकर, और 18% ने कहा हाँ अकल यूज कर सकते हैं, लेकिन बाज लोगों ने 14% ने ये भी कहा, और इंग्लिश में 7-14% है, इंग्लिश में 7% है, और हमारे रोमन वाले इसमें 14% है, जिन्होंने कहा कि नहीं नहीं कर सकते इस्लाम में अकल इस्तेमाल। क्या है सही जवाब? आइए देखते हैं सही जवाब क्या है। सही जवाब यह है कि अकल का मकाम जानते हुए कर सकते हैं, मतलब अकल का मकाम कुरान और हदीस के ऊपर नहीं है, क्योंकि हमारी अकल लिमिटेड है, हमारी अकल बहुत महदूद है। कितनी चीजें हमें नहीं मालूम है भाई, कितनी चीजें हमें एक दिन अच्छी लगती है, आदमी का जॉब चला गया बोले बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, अगले दिन उससे अच्छा जॉब मिल गया बोले बहुत अच्छा हुआ जॉब गया, अरे कल ही तो तुम बोल रहे थे जो बहुत बुरा हुआ जॉब गया, आज बोल रहे हो कि अच्छा हुआ, ये क्या है?
हम लोगों का ये मामला है, सब्जेक्टिव है हमारा मामला, टाइम एंड प्लेस एंड सिचुएशन के हिसाब से हमारी अंडरस्टैंडिंग चेंज होती रहती है। तो अकल को कुरान हदीस से ऊपर नहीं रखेंगे फॉर श्योर। अकल का मकाम कुरान हदीस के कॉम्पिटिशन में नहीं है कि हाँ कॉम्पिटिशन में अकल कभी आगे कभी कुरान हदीस आगे, नहीं, अकल का मकाम कुरान हदीस के नीचे है। मतलब अकल इस्तेमाल करो करो, लेकिन कुरान हदीस को समझने के लिए इस्तेमाल करो, कुरान हदीस पर गौर करने के लिए इस्तेमाल करो। कुरान में कई जगह भी कहा गया है अफला ताकलून, अकल इस्तेमाल करोगे तो अकल इस्तेमाल करो। जहन्नम ही कहेंगे लव कुन्ना नस्मा और ना खिलो मा कुन्ना फी असहाबिस सईर, सूरह 67 वर्स 10, कि अगर हम सुनते और सोचते तो हम यहां ये जलती हुई आग में नहीं होते। मतलब सोचते ही नहीं थे। बाज लोग है ना जैसे कहते हैं अरे मैं सोचने वाला नहीं हूं, तो सोचते नहीं थे, कहां पहुंचे, जहन्नम में पहुंचे। तो अकल इस्तेमाल करो। अगर आप ईमान तक पहुंच गए हो तो आपकी अकल का मकाम कुरान हदीस के नीचे है। हाँ कोई शख्स ईमान तक नहीं पहुंचा, हम उसे कहते हैं कि आप वाज़े दलीलें देखो, प्रूफ देखो और ईमान ले आओ, और एक बार ले आए ना तो ये जानो अल्लाह ऑल नोइंग है, अल्लाह ऑल नोइंग है, ही नोज व्हाट इज गुड फॉर अस, उसको पता है हमारे लिए क्या अच्छा है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। ये इसका सही जवाब है कि हाँ अकल इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन उसकी लिमिट जानते हुए। हाँ अब गाड़ी का गाड़ी चला सकते हैं, हाँ चला सकते हैं, लेकिन जहां पे डेड एंड है, जहां पे रोड पहाड़ के ऊपर ऐसे जाकर डेड एंड डेंजरस जगह है, वहां जाके स्टॉप करना भी तो अकल का ही तो तकाजा है। बोले नहीं गाड़ी तो चला सकते हैं, चला सकते हैं तो कहीं ब्रेक भी तो लगाना अकल का तकाजा है। ये जानना कि अकल की लिमिट है ये खुद अकल ही सिखाती है। मतलब अकलमंद ही है कि अकल की लिमिट जाने। जो लोग बगैर लिमिट अकल इस्तेमाल करते हैं ना वो लोग गुमराह हो जाते हैं, कि वो लोग समझते हैं कि वो खुद फॉर देम दे आर देयर गॉड्स। जैसे इबलीस का मामला था, अल्लाह के हुक्म के आगे सरेंडर नहीं किया, उसको सरेंडर करना चाहिए था। ओके इंशाल्लाह चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गए तीन एटीट्यूड। अब सही एटीट्यूड क्या है, साबित शुदा को कबूल करें, जो साबित शुदा नहीं उसे छोड़ दें। कन्फर्म बातों को हम कबूल करेंगे, जो कन्फर्म नहीं उन्हें हम छोड़ देंगे। अब ये साबित शुदा किसे कहते हैं वो हम आ रहे हैं, आज का हम लेक्चर जैसे अभी स्टार्ट किए चार एटीट्यूड। चलिए तो यहाँ पर सही आंसर क्या है जो मैं सवाल पूछा था फर्स्ट क्विज में, वो ये है कि जो साबित है वही एक्सेप्ट करना चाहिए, जो नहीं साबित है वो नहीं। हाँ अकल की बुनियाद पे नहीं, सब एक्सेप्ट भी नहीं, सब रिजेक्ट भी नहीं। ओके इंशाल्लाह चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी हदीस क्या है, व्हाट इज अ हदीस? तो हदीस के अंदर हम देखते हैं कि अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग स्कॉलर्स ने दिया है। जो डेफिनेशन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, अन हदीस मा ज़ुकिरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस वो है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान की गई हो, जिक्र की गई हो। एक और चीज इसमें बाज़ मुहद्दिसीन बताते हैं कि जिसकी निस्बत की गई हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, एट्रीब्यूट किया गया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। हाँ मिन कौलिन, चाहे वो कौल हो। अब हदीस क्या है सुनिए, कौल कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टेटमेंट कौल, तो कोई कौल ही हदीस होगी, यानी क्या कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नियतों पर है। और फेल या फेल एक्शन है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई एक्शन है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से नमाज पढ़ी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से फला अमल किया, तो ये क्या है एक्शन अमल फेल। और तकरीर 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 क्या है, हम लोग उर्दू में तकरीर स्पीच को बोलते हैं ना, अरबिक में तकरीर का मतलब तस्दीक अप्रूवल, मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई काम किया गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर उसकी तस्दीक किए अप्रूवल दे दिए तो फिर वो क्या हो गया तकरीर। और आपको पता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहैसियत रसूल उनके लिए लाजिम था कि कोई चीज अगर गलत हो तो उसको फौरन करेक्ट करें। तो अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, तो खामोश अगर रहे तो मतलब ये होता है कि उसके अंदर अप्रूवल हो गया। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, अबू दाऊद में सही सनद से हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि फजर की नमाज के बाद नमाज पढ़ रहा है, तो कहा कि ये कौन सी नमाज पढ़ रहे हो, तो उसने साहबी ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि मेरी दो रकात छूट गई थी फजर से पहले की, मैं वो मुकम्मल कर रहा हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, खामोश रहना अप्रूवल हो गया, तस्दीक हो गई। हाँ तकरीर, तो तकरीर क्या है अप्रूवल। और सिफत खलकिया, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई जिस्मानी सिफत, सिफत खलकिया यानी जिस्मानी फिजिकल सिफत, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे दिखते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा कैसा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल कैसे थे, रंग कैसा था, स्किन कैसी थी, ये सारी चीजें सिफत खलकिया। अब यहाँ पे ना कौल है ना फेल है ना तकरीर है, ये क्या है सिफत खलकिया। और खुलुकिया, या उनके अखलाक के तालुक से, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक में ऐसे थे, हाँ
जैसे अल्लाह आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं काना खुलुकुहुल कुरान, उनका तो अखलाक जैसे कि कुरान था, वो कुरान इन एक्शन थे, सही मुस्लिम की हदीस। और सीरा, सीरत, जैसे सीरत में ये हुआ जंग खंदक के टाइम पर ये हुआ, अब ये ना कॉल है ना फेल है ना तकरीर है, क्या है ये सीरत है। हाँ सवान का ना कबल बेसा, चाहे वो को बेसत से पहले हो अबाद हा या चाहे बेसत के बाद हो, सात चीजें यहां जिक्र है, सात में से सिक्स एंड सेवन को आप कंबाइन कर सकते हैं। हाँ तो हम क्या देख रहे हैं कि ये है हदीस का एक बेसिक स्मॉल तारुफ। तो हमें पता चला हदीस में क्या क्या आएगा, या तो कॉल आएगा या तो फेल आएगा, या तो एक्शन हो या तो कॉल होगा या तो फेल होगा, या तो तकरीर होगी या सिफत खल्की होगी या अखलाक के तालुक से होगी या सीरत होगी, छह चीजें हम लोग ले सकते हैं चाहे नबूवत से पहले हो या बाद में हो। तो ये हदीस का एक बेसिक सा तारुफ हमने देखा। अब मैं आपके सामने बता रहा हूं ये हदीस में अलग अलग कहां से आ रही है, मतलब हदीस नबवी समझ में आ रही है ना, लेकिन फैक्ट ये है कि सहाबा के स्टेटमेंट्स को भी हदीस में शामिल करते हैं, उसे भी हदीस कहते हैं। हदीस यानी बात, किसकी बात, किसकी बात, तो उसके बेसिस पे नाम है, उसके बेसिस पे नाम है कि किसकी बात। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हदीस कुदसी, हदीस कुदसी, तो ये क्या है मामला, हदीस कुदसी क्या है, ये वो है जो अल्लाह ताला का कलाम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने ये कहा, तो ये अल्फाज किसके हैं, ये अल्लाह के अल्फाज है, लेकिन ये कुरान में नहीं है, ये हदीस में है। इसे क्या कहते हैं, हदीस कुदसी, मरफू हदीस। मरफू हदीस यानी क्या, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम, मरफू रेज्ड, उठाया हुआ। मुहद्दिसीन ने ऐसे देखा है जैसे कि एक लैडर है, सीढ़ी है, और सीढ़ी ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऊपर यानी मरफू, ऊपर यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मौकूफ, मौकूफ यानी रोक दी गई, किसका कलाम है, ये सहाबी का कलाम है। तो आपको हदीस की किताबों में हदीस कुदसी भी मिलेगी, मरफू हदीस भी मिलेगी, मौकूफ हदीस भी मिलेगी, और मौकूफ यानी रोक दिया गया, वर्ड मौकूफ का मतलब रुकी हुई, यानी रोक, रोकने से मुराद क्या है, ये चीज सहाबी पे ही रुक जाती है, मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टेटमेंट नहीं है, सहाबी का स्टेटमेंट है, मौकूफ। हाँ हदीस कुदसी, मरफू, मौकूफ, और मक्तू, मक्तू का मतलब, मक्तू का मतलब टांग टूटा हुआ, मतलब टांग टूटा हुआ, सीढ़ी पे कोई चढ़ने गया तो चढ़ने गया तो टूट गई टांग, टूट गई, ये इसका लिटरल में लिटरल यूजेज इसलिए बता रहा हूं ताकि आप उसकी मीनिंग को समझ सके। लेकिन मक्तू का मतलब ये है, ये ताबई का कॉल है, किसका स्टेटमेंट है, ताबई का। ताबई वो है जिन्होंने सहाबा को हालत ईमान में उनसे मुलाकात हुई, लिका मुलाकात हुई और हालत ईमान में उनका इंतकाल हुआ। सहाबी कौन है, जिनकी हालत ईमान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई और हालत ईमान में उनका इंतकाल हुआ। तो ये हदीस कुदसी, मरफू, मौकूफ, मक्तू। ओके इंशाल्लाह ये हमने थोड़ा टर्म देखे, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि हदीस की अहमियत क्या है, मैं आपको बहुत क्विकली छह वजह बताना चाहता हूँ कि भाई हदीस की क्या जरूरत है। बाज लोग कहते हैं कुरान काफी नहीं है, क्या वजह है, अगर कुरान पे हमारा ईमान है तो हमें हदीस को मानना पड़ेगा, हमें हदीस को मानना पड़ेगा, क्यों मानना पड़ेगा, उसके प्रूफ है, छह दलाल। फर्स्ट दलील, इताअत के ताल्लुक से सारी आयतें कुरान में कईयों जगह पर है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वाली सारी आयतें याद करें, तो यहां पे गौर करें अतीउल्लाह व अतीउर रसूल है, अल्लाह की फरमाबरदारी करो और रसूल की फरमाबरदारी करो, अल्लाह की फरमाबरदारी कुरान, रसूल की फरमाबरदारी कैसे करेंगे, क्या हम अल्लाह से नहीं कहेंगे फिर, अल्लाह अल्लाह तूने कहा कि रसूल की फरमाबरदारी करो लेकिन रसूल की कोई बात ही नहीं मिली, ऐसा नहीं होने वाला। अल्लाह ने जब कुरान की हिफाजत की गारंटी ली, कुरान की हिफाजत की गारंटी किसने ली, अल्लाह ने ली, कुरान में दिया ना, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने इस पैगाम को भेजा, हम इसकी हिफाजत करेंगे। अब हिफाजत करने में अल्लाह ताला ने खिदमत की कई लोगों से, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने खिदमत की, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खिदमत की, लेकिन फैक्ट क्या है मालूम है आपको, करने वाला अल्लाह है, हिफाजत करने वाला कौन है, अल्लाह है। इंसानों से अल्लाह ने खिदमत ली लेकिन करने वाला अल्लाह है। तो मेरे भाई और मेरी बहने, जब अल्लाह ताला ने कहा है अतीउ रसूल, रसूल की फरमाबरदारी करो, तो रसूल की बातें महफूज होगी, ये किसका काम है, अल्लाह का काम है, अल्लाह का काम है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें महफूज हो जाए, क्यों, क्योंकि अतीउ रसूल कैसे करेंगे। तो ये हो गई, हो गया फर्स्ट पॉइंट। अच्छा एक बात गौर करें, ये एक साइड नोट्स पर मैं बात बता रहा हूं आपको, अतीउल्लाह के साथ में व अतीउ रसूल है, जब फरमाबरदारी का टॉपिक आता है तो अतीउल्लाह व अतीउ रसूल साथ में है, साथ में। देखिए कई चीजों में कुरान हदीस में फर्क है, कई चीजों में, मिसाल के तौर पे कुरान की तिलावत,
में अजर है, हदीस की तिलावत के ताल्लुक से वैसे अजर नहीं है। इल्म हासिल करने का अजर है, तिलावत का अजर कुरान के लिए। उसी तरह कुरान के ताल्लुक से आता है सूरह 59 वर्स 21 सूरह हश्र में कि अगर कुरान पहाड़ पे नाजिल होता लराइतहु खाशिय मुतसद्दिय मिन खशयतिल्लाह, पूरा पहाड़ रेजा रेजा हो जाता अल्लाह के डर से। ये कुरान के ताल्लुक से, हदीस के ताल्लुक से नहीं। उसी तरह कुरान के ताल्लुक से फातु बिसूरतिन मिन मिस्ली, एक सूरह ले आओ इसके जैसी, इसके जैसी एक सूरह ले आओ, हदीस के ताल्लुक से ऐसा चैलेंज नहीं। लेकिन जब हम फरमाबरदारी के टॉपिक पे आते हैं ना, अतीउल्लाह व अती रसूल साथ में, इसमें फर्क नहीं किया गया है क्योंकि दोनों वही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से नहीं कहेंगे चार रकात पढ़ो, वो भी वही के तहत उन्होंने कहा, जो बात कही वही के तहत थी। तो सारी के सारी अतीउल्लाह व अती रसूल वाली आयतें फर्स्ट दलील हो गई। सेकेंड दलील, कुरान अल्लाह ताला ने भेजा, लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है जो महफूज है, प्रिजर्व्ड है। क्या आपको ये पता है कि सिर्फ कुरान प्रिजर्व नहीं है, कुरान का एक्सप्लेनेशन भी प्रिजर्व है। कुरान के अंदर ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी बोल दे, कुछ भी मीनिंग निकाल ले, कुछ भी, ऐसा नहीं कहा गया। उसके अंदर कुरान की हिफाजत की गई है, कुरान की मीनिंग की भी हिफाजत की गई है। आप गौर करें, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वा अंजलना इलैका ज़िक्र, हमने ये पैगाम आप पे नाजिल किया ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लितुबैना लिन्नास मा नुज़िला इलैहिम, ताकि आप समझा दो लोगों को कि हमने क्या भेजा। अब यहां गौर करिए कि हमने आप पर भेजा ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकि आप समझा दो। यहां पे वर्ड आप देख रहे हैं लितुबैना, ये जो तबीन जो है ना ये मुबीन से आता है, मुबीन का मतलब है वाज़े करना, टू मेक क्लियर, ताकि आप वाज़े कर दो लोगों के लिए मा नुज़िला इलैहिम कि हमने क्या नाजिल किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये रोल था। देखिए क्या होता है, पोस्टमैन होता है, पोस्टमैन लेटर देके जाता है, कोरियर वाला है पार्सल देके गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम पोस्टमैन की जैसा नहीं था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम पोस्टमैन की तरह नहीं, सिर्फ खत देके गए। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम पहुंचाया भी और समझाया भी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने क्या कहा, लितुबैना लिन्नास, ताकि आप समझा दो लोगों को कि हमने क्या नाजिल किया है। हम ये देखते हैं कि ताकि आप समझा दो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम क्या था, एक्सप्लेनर ऑफ द कुरान है, मा नुज़िला इलैहिम। और गौर करिए वलअल्लहुम यतफक्करून, एक मिनट माइक नहीं आ रहा, जस्ट वन मिनट। अभी बेटर है, नहीं यहाँ पे लिखे हुए, जस्ट वन मिनट, जस्ट वन मिनट। आवाज आ रही है, माइक आ रही, ओके, जस्ट वन मिनट। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग, just one minute. जी मैं कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, माइक का प्रॉब्लम आपको म्यूट कर लिया है। माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग, नहीं आ रही है, यहाँ तक माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग, जस्ट वन मिनट, अब अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आया, अल्लाह की मर्जी। माइक टेस्टिंग, ठीक है कोई बात नहीं, इसको निकाल के ये माइक में शिफ्ट है। साउंड प्रॉब्लम, मैं वन मिनट, इंशाल्लाह। माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग, रोमन में, ओके अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा माइक है ये माइक कौन सा है, ये ओके माइक, साउंड इज क्लियर, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کہ ہم نے پیغام آپ پہ بھیجا تاکہ آپ سمجھا دو لوگوں کو کہ ہم نے کیا نازل کیا وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اور تاکہ وہ غور کریں اب غور کرنے کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسپلینیشن کے بعد میں ہے تو میرے بھائی میری بہنیں یہاں سمجھنے والی بات کیا ہے ہم سب کے لیے وہ یہ ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی ضرورت ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے کیونکہ قرآن کا ایکسپلینیشن وہاں ہے نماز پڑھو قرآن میں دیا ہے کیسے پڑھو کیسے پڑھو رکو کرو کیسے رکو کرو ایسے بینڈ ہو رہا ہے یہ بھی بینڈ ہوا بینڈ ہو رہا ہوں کیسے رکو کرنا ہے کیا آپ کو پتا ہے جو لوگ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو نہیں مانتے سوم کا مطلب ہے رک جانا اب وہ کہہ رہے ہیں آج میں چاول کھانے سے رک گیا ہو گیا روزہ کیسے روزہ ہوگا کہاں سے پتا چلے گا حدیث سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تو بھیجا قرآن کے ساتھ ساتھ ایکسپلینر آف دا قرآن کو بھی بھیجا یعنی کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے قرآن کو ایکسپلین کیا ہاں جی تو یہاں یہ دیکھ رہے ہیں یہ سیکنڈ پوائنٹ تھرڈ پوائنٹ دین کا حلال و حرام آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه جو بھی نبی تمہیں دیتے ہیں لے لو وما نہاکم عنہ فانتہوا جس چیز سے نبی تمہیں روکتے ہیں رک جاؤ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دیا وہ لے لو جس چیز سے وہ روکے رک جاؤ یہ کس نے کہا اللہ نے کہا یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں روک رہے ہیں یہ مت کرنا تو رکنا کیا ہے لازم ہے جیسے مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوف اللہار داڑھی کو چھوڑو اب یہ حکم ہے کمانڈ ہے یہ ایک ایسی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو حکم کے درجے پر پہنچنے کی وجہ سے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے نا جو نبی دیتے ہیں لے لو اور جس چیز سے نبی روکتے ہیں رک جاؤ اس وجہ سے ایک ایسی سنت ہے جو حقیقت میں واجب سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس پر ایک منٹ ہولڈ کریں کچھ پرابلم اوکے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں فرما برداری کرنے خود اللہ نے ہمیں سکھایا اور حلال و حرام صرف قرآن میں نہیں ہے قرآن میں آتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ نبی تمہارے لیے حلال کرتے ہیں پاک چیزیں وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ اور نبی تمہارے لیے حرام کرتے ہیں خبائث کو گندی چیزوں کو جو بری چیزیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہیں تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک دین پہنچایا اب آپ غور کریں تو لو وائس ایک منٹ رکیے ایڈجسٹ میرے پاس یہ اس پہ چلے دوسرے پہ چلے جسٹ ون منٹ اوکے میں کنٹینیو کر رہا ہوں آئی ہوپ ساؤنڈ از بیٹر فار دا انگلش گروپ آلسو جزاک اللہ خیر ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارے دین کا حلال اور حرام صرف قرآن میں نہیں حدیث میں بھی ہے ٹاپک کیا چل رہا ہے ٹاپک یہ چل رہا ہے کہ لوگ بولتے ہیں حدیث کی کیا ضرورت ہے فرسٹ ریزن ہم دیکھ چکے ہیں وہ کیا ہے اطیع اللہ و اطیع رسول اطیع اللہ و اطیع رسول سیکنڈ ریزن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا ایکسپلینیشن دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپلینر آف دا قرآن ہے قرآن کے ایکسپلینر ہے قرآن محفوظ ہے قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کا ایکسپلینیشن بھی محفوظ ہے نمبر تھری دین کا حلال اور حرام صرف قرآن میں نہیں ہے قرآن کے ساتھ ساتھ میں حدیثوں میں بھی ہے چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں نمبر چار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مثال ہے ہمارے لیے اسوہ ہے نمونہ ہے ایگزامپل ہے رول ماڈل ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اگر ہمیں ملے گی نہیں تو ہم کیسے انہیں رول ماڈل بنائیں گے مطلب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہی نہ ملے آپ بتاؤ کہ ہم انہیں کیسے امیٹیٹ کریں گے کیسے فالو کریں گے کیسے ایک مثال دیتا ہوں کمپیریزن میں بات سمجھ میں آتی ہے مثال کے طور پر آپ اگر انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا دیکھیں 14th ایڈیشن میں جیزس کرائسٹ کے سیکشن میں ایک ریورنڈ ڈاکٹر چارلز اینڈرسن سکاٹ وہ لکھتے ہیں The attempt to write the biography of Jesus Christ should frankly be abandoned. وہ کہتے ہیں جیزس کرائسٹ کی سیرت بایوگرافی لکھنے کی کوشش چھوڑ دینا چاہیے ہاں چھوڑ دینا چاہیے فار دا مٹیریل فار دیٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ اس کا مٹیریل ہی موجود نہیں ہے
It has been calculated that the total number of days of his life regarding which we have any record does not exceed 50. वो बोलते हैं कि एस्टिमेट किया गया है कि कुल मिलाकर जीसस क्राइस्ट की जिंदगी के 50 दिन की हमारे पास इंफॉर्मेशन है, 50 डेज, हाँ 50 डेज की हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है। अब आप बताओ 50 डेज में जैसे पैदाइश हुई, फला दिन ये रोमन सोल्जर्स आए वगैरह, वो कहते हैं इस बेसिस पर हम सीरत कैसे लिखेंगे, बायोग्राफी कैसे जमा करेंगे, बायोग्राफी कैसे जमा करेंगे। आप खुद गौर करो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मोहम्मद सलम का ऐसा मामला नहीं है। मोहम्मद सलम की छोटी से छोटी अदा महफूज है। नबी सलम खाते थे तो कैसे तीन उंगलियों से खाते थे, हाथ जब मुसाफा करते थे तो कैसे अपना हाथ पहले वापस नहीं लेते थे, चलते थे तो कैसे चलते थे, सोते थे तो कैसे सोते थे, एक एक अदा महफूज है। मतलब अगर मुझे नबी सलम को कॉपी करना है, इमिटेट करना है, उनको अपना रोल मॉडल बनाना है, उनकी मुशाबत इख्तियार करनी है, तो कैसे होगा, पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, क्योंकि वो मटेरियल मौजूद है। लेकिन जब अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, जो आयत आप देख रहे हैं, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, ये उस्वतुन हसना। जब अल्लाह ने कहा तो किसका काम है अभी हिफाजत करना, अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला ने हिफाजत की, बंदों से खिदमत ली, इमाम बुखारी, मुस्लिम, मुहद्दिसीन, अलग अलग लोगों ने, सहाबा से लेकर बाद के जमानों तक सब लोगों ने खिदमत की, लेकिन करने वाला कौन था मालूम है आपको, करने वाला अल्लाह था। अल्लाह ने काम लिया लेकिन करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। पांचवी वजह, इख्तलाफ का हल। आपको पता है कि मुसलमानों के इख्तलाफ है, ये इख्तलाफ नहीं हल होने वाले जब तक हम कुरान के साथ साथ हदीस को नहीं माने। क्यों? क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने खुद कहा फइन तनाज़अतुम फी शैइन, अगर किसी मामले में इख्तलाफ हो जाए, फरुद्दुहु इलल्लाहि व रसूल, उस मामले को लौटाओ अल्लाह की तरफ और रसूल की तरफ। बाज लोग कहते हैं कि सिर्फ कुरान की तरफ लौटो, कुरान की तरफ लौटते तो कुरान की तरफ लौट करके हदीस मिलता है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल भी मिलेगा। अगर आपस में इख्तलाफ आ जाए तो अल्लाह ने क्या कहा, उस मामले को लौटाओ अल्लाह की तरफ और रसूल की तरफ। तो मेरे भाई और मेरी बहने, हम सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौटेंगे, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की तरफ। इन कुंतुम तुमिनुना बिल्लाह, अगर अल्लाह पे ईमान है तो, वल्यौमिल आखिर, कयामत के दिन पे ईमान है तो, ज़ालिका खैरुन, इसमें खैर होगा, वाहसनु तावीला, इसका बेहतरीन अंजाम होगा। तो मेरे भाई और मेरी बहने, कुरान के साथ साथ हदीस की जरूरत है ताकि इख्तलाफ हल हो। एक और आयत देखिए इस ताल्लुक से कुरान की, सूरह नहल, सूरह 16 आयत नंबर 64, अल्लाह ताला ने फरमाया वमा अनज़लना अलैकल किताब, हमने किताब आप पे नहीं भेजा, इल्ला भेजा तो सिर्फ इसलिए, लितुबय्यिना लहुमुल लज़ी इख्तलफू फी, ताकि आप उनके लिए वाज़े कर दो वो चीजें जो उनके लिए इख्तलाफ है, जिसमें उनके लिए इख्तलाफ है वो आप वाज़े कर दो, क्लियर कर दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम था क्लियर करना, तो हमारे इख्तलाफात के हल होने के लिए हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाज़िम जरूरत है। वहुदा व रहमतन लिक़ौमी युमिनून, हिदायत है, रहमत है ईमान वालों के लिए, हिदायत है ये किताब में, रहमत है इस किताब में, अल्लाह की किताब में। छठी रीजन, छठी वजह कि हमें क्यों हदीसों की जरूरत है, वो है गुमराही से बचने के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की, कहा तरक्तु फीकुम शैयैन, मैं तुम्हारे बीच दो चीजें छोड़ जा रहा हूँ, लम तदिल्लु बादहुमा, इन दो के बाद तुम गुमराह नहीं होंगे, किताबुल्लाह व सुन्नती, वो है अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत, वलन यतफर्रका, ये दोनों अलग नहीं होने वाले, ये दोनों अलग नहीं होने वाले, हत्ता यरीद अलैल हौज, यहां तक कि हौज कौसर पे मुझे ना मिले, मतलब ये दो रहेंगे दुनिया में, साथ में ही रहेंगे, लास्ट में जाकर जब कुरान उठाया जाएगा तब जाके हदीस उठेगी, ये दोनों रहेंगे साथ में रहेंगे यहां तक कि हौज कौसर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होगी। तो मेरे भाई और मेरी बहने, हमें गुमराही से बचना है ना, तो दो चीजों की जरूरत है, लन तदिलु बादहुमा, कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन दो के बाद तुम गुमराह नहीं होंगे। तो कोई शख्स अगर कुरान को मानता है तो उसको हदीस को मानना होगा। ये सब के बाद एक सेक्शन अब ये देखते हैं कि जो लोग फिर भी ये सब समझाने के बाद, छह पॉइंट्स है, रिपीट कर रहा हूँ, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कुरान का एक्सप्लेनेशन, हम देखते हैं कि हमारे दीन का हलाल और हराम, ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث, نبی تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کرتے ہیں, خبائث اور گندی چیزیں حرام کرتے ہیں. چوتھی چیز, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل, ایگزامپل, مثال, اسوہ, کیسے ہوگا. نمبر پانچ, ہمارے اختلافات تب حل ہوں گے, ردوہ اللہ و رسول کریں گے تو, اور گمراہی سے ہم تب بچیں گے, لن تضلوا بعد. چھ کے بعد بعض لوگ پھر بھی نہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں, تو ایک چھوٹا سا سیکشن ہم یہ لیں گے, جس آپ کے سامنے میں صرف دو مثالیں رکھوں,
क्या चीज के लिए? क्योंकि आज जो लोग होते हैं ना बोलते हैं कुरान काफी है, तो शॉर्ट में जरा एक और डीलिंग कर रहे हैं। मैं आपके सामने दो मिसालों के जरिए ये बात रख रहा हूं। पहली मिसाल सूरह मायदा की आयत है, सूरह 5 आयत नंबर 3। अल्लाह ताला ने फरमाया हुर्रिमत अलैकुमुल मैतातु, हराम है तुम्हारे लिए मैता, मैता है डेड मीट, मुर्दार, जो जानवर मर गया, मरे हुए जानवर का गोश्त हराम। बकरा हलाल है, मुर्गी हलाल है, मरी हुई मुर्गी हराम, मरी हुई मिली, खुद से मर गई, बकरा खुद से मर गया, हराम। तो हुर्रिमत अलैकुमुल मैतातु, मैता तुम्हारे लिए हराम है, वद्दम खून हराम है, वलहमुल खिंजीर, खिंजीर का गोश्त, पिक का गोश्त हराम है, वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, वो जिस पर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया हराम है, वो चार चीजें हराम जिक्र। अब देखिए मैं आपको एक मिसाल बता रहा हूँ, क्या चीज की मिसाल बता रहा हूँ कि कुरान के साथ साथ हमें हदीस चाहिए, चाहिए प्रूफ। दो आयतों से हम समझेंगे बात। इस आयत के अंदर ये दिया है मुर्दार हराम है। अब आप बताओ मच्छी मरी भी मिले तो, जिंदा मच्छी, जिंदा बकरा लेके जबा कर सकते हैं खा सकते हैं, जिंदा मुर्गी जबा करके खा सकते हैं, मच्छी मरी भी मिले तो हलाल है कि हराम है? क्या उसे जिंदा पकड़ के जबा करना होगा? हाँ, कुरान में दिया है कि समंदर का जो गोश है वो हलाल है, ये कहा दिया है कि मरने के बाद भी हलाल है, ये कहा दिया है? कुरान में जब दिया ना मुर्दार हराम है, तो वो हिसाब से मच्छी नहीं खा सकते। जैसे बाज हम देखते हैं कि एक ग्रुप है मुसलमानों का जो आप देखोगे कि वो जिंदा मच्छी ढूंढते हैं, वो लोग मुर्दा मच्छी नहीं खाते हैं। लेकिन इसका आंसर क्या है मैंने मालूम है, आएगा आगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं, एक पोल आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि क्या लगता है मच्छी मरी हुई मिले तो हलाल है कि हराम? मरी हुई क्यों मैं पूछ रहा हूँ, एक वजह है। चलिए ये क्विक आंसर वाला है जो आपको क्विकली आंसर करना है। हलाल है या जबा करने के बाद या हराम है? 3, 2, 1 एंड पोलिंग। चलिए आपकी रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पे, 90-91% लोगों ने कहा है कि नहीं मच्छी मरी भी हलाल है, मच्छी मरी भी हलाल है। ओके सही जवाब है, हाँ सही जवाब है ये। क्यों सही जवाब है? अरे भाई कुरान में तो दिया है कि मुर्दार हराम है, क्या सही जवाब है? आएगा एक मिनट बाद आएगा। हलाल है मच्छी, अभी इतने के लिए अभी ये बात जाने। दूसरा सवाल, चिकन और मटन में थोड़ा खून कभी बच जाता है, आपको पता होगा कि साफ करने के बावजूद भी कहीं कहीं कुछ गोश्त में कुछ खून बच जाता है, खून तो हराम है, वो दम खून हराम है, तो चिकन और मटन में अगर खून हो तो खा सकते नहीं खा सकते? तीसरा सवाल, कलेजी और तिल्ली खा सकते नहीं खा सकते? ये आप मेडिकल डिक्शनरी से मैंने यहाँ डेफिनेशन दिया है, उसके रोल में दिया हुआ है, लिवर के अंदर दिया हुआ है, उसके मैनिफोल्ड फंक्शंस में से है स्टोरेज एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, और स्प्लीन जो तिल्ली है उसके अंदर भी सर्व्स एज ब्लड रिजर्वायर, मतलब उसके अंदर जो गोता होता है ना कलेजी और तिल्ली में वो एक्चुअली खून होता है, वो एक्चुअली खून होता है। तो खून तो हराम है ना, खा सकते नहीं खा सकते? हलाल है कि नहीं? ये पोल मैं स्किप कर रहा हूँ, हम आगे बढ़ रहे हैं। सही बात क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सप्लेन किया, उहिल्लत लना मैतानि, दो मरे हुए जानवर है हलाल है हमारे लिए, अलहूत वल जराद, मच्छी और टिड्डी, लोकस्ट। लोकस्ट जो है ना आते हैं ना जब पूरी पूरी फसल खा जाते हैं और फिर पकड़ना उनको बहुत आसान है, आपने देखा होगा, तो वो पूरा सूखा आज पड़ जाता है, जहां जाके वो लोग करे पूरा जगहों पर सूखा पड़ जाता है, स्टार्वेशन हो जाती है, लोग भूख से मरने के पास आए करीब आया। इस्लाम ने कहा है कि वो जो टिड्डी है ना लोकस्ट, मरे हुए मिले तो भी हलाल है, मुर्दार जो है ना, दो मुर्दार हलाल है, मच्छी और टिड्डी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? एक्सप्लेनर ऑफ द कुरान है। उसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वद्दमानी, दो खून भी हलाल है, खून जो खाना हराम है लेकिन दो खून है हलाल है, फद्दमानी फलकबिद वत्तिहाल, वो है कबित व तिहाल, वह कलेजी और तिल्ली, मतलब कलेजी और तिल्ली जो भले ही उसके अंदर खून होता है, वो गुदा जो होता है ना खून होता है, लेकिन हलाल है। किसने कहा हलाल है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। कैसे कहा? वही के तहत कहा, खुद की ख्वाहिशात से नहीं कहा, वमा यंतिकु अनिल हवा, वो अपनी ख्वाहिशात से नहीं बात करते, इन हुवा इल्ला वहयू युहा, ये वही है जो उन पे नाज़िल है। तो हमें क्या पता चला? कुरान के अंदर अगर साथ में हदीस नहीं है तो मच्छी गई। मतलब जो लोग कहते हैं ना हदीस को नहीं मानते, हम उन्हें कहते हैं कि तुम्हारे मेनू में से मच्छी गई, क्योंकि मुर्दार है वो, गई कलेजी, गई तिल्ली, गई और क्या गया? चिकन और मटन का जो मैं बताया उसमें जो खून बाकी होता है, आप देखेंगे कि स्कॉलर्स ने, और इसके बारे में ये आया है, स्कॉलर्स ने बताया है, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से ये कॉल मिलता है
और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिफर किया था, हमें बात मिलती है कि ये बिलहमरा व दम, ये जो लाली आती है जो और जो थोड़ा खून होता है, नकुनानी अलल क़द्र बास ला तरा, वो इसे ऐब की बात प्रॉब्लम की बात नहीं समझती। तो हमें ये बात मिलती है, इसी से हमें दलील मिलती है कि गोश्त के अंदर अगर कुछ खून खून बाकी भी रह जाए तो कोई हर्ज नहीं है, वो चीज हलाल है, वो गोश्त हराम नहीं हो जाता। हाँ, अगर वो खून की जगह वो कोई और चीज होती, जैसे बाज जो चीजें बना है ना, खिंजीर का गोश्त थोड़ा सा मिक्स होता तो चलता क्या? नहीं चलता। लेकिन यहाँ क्या मामला है, यहाँ पे जो खून है जो थोड़ा बाकी रह जाता है उसकी वजह से वो चीज हराम नहीं हो जाती। तो जो लोग हदीस को नहीं मानते उनके लिए वो हराम हो जाएगा। उनके लिए क्या मामला है, कलेजी और तिल्ली तो गई थी मेनू में से, मच्छी भी माइनस हो गई थी, चिकन मटन भी तकरीबन जा रहा है, या? एक ही आयत हमने देखा अभी तक, एक आयत। एक और मिसाल ले, कुरान में आता है वस्सारिक वस्सारिकतु, चोर मर्द हो या औरत, फक्त वाइदीहुमा, दोनों का हाथ काट दो, सजा है, सख्त है, जज़ाम बिमा कसबा नकाल मिन अल्लाह, ये जो उन्होंने किया गुनाह उसकी सजा के तौर पर है, नकाल मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से इबरत के तौर पर। क्या होता है कि कुछ को सजा मिलती है बाकी सब लोग सुधर जाते हैं, ऐसा नहीं कि वहां जेल में जाकर और बड़े चोर बन के निकलते हैं। हाँ, एक कुछ लोगों को सजा दी जाती है लेकिन इतनी सख्त होती है सब पूरा माशरा सुधर जाता है, लोगों के मालों की हिफाजत होती है, और ये भी हालात के अंदर, ज़कात का निज़ाम हो, लोगों की हिफाजत की जा रही हो, लोगों के हुकूक पूरे किए जा रहे हो, सारे हालात के साथ। चलिए देखते हैं, मेरा सवाल है, क्या सवाल है, मैं पॉइंट क्या बात करना चाह रहा हूँ, मैं साबित ये कर रहा हूँ कि आपको कुरान के साथ साथ हदीस भी चाहिए। अगर कुरान के साथ हदीस नहीं लेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि अल्लाह ने सिर्फ कुरान नहीं भेजा, अल्लाह ने एक रसूल को भेजा वो कुरान को समझाने के लिए, एक्सप्लेनर ऑफ द कुरान। दूसरी मिसाल चल रही है, चलिए सवाल, पहला सवाल, बच्चा चोरी करे तो चोर है ना कि नहीं है? तो अरबिक लैंग्वेज के हिसाब से सारे जो आयत में ना सारे को सारे का तुम, चोर मर्द हो या औरत हो, सारे सारे के ना एज नहीं स्पेसिफाइड है, मतलब बच्चा अगर चोरी किया तो सारे चोर बच्चा भी चोर हुआ, क्या उसका हाथ काटेंगे? नंबर दो, हाँ क्या लगता है आपको, काटेंगे नहीं काटेंगे? तो ये पोल भी मैं स्किप करता हूँ, अच्छा ले लेते, चलिए हाँ पोल आपके स्क्रीन पे आ रहा है, व्हाट डू यू थिंक, बच्चे का हाथ काटेंगे नहीं काटेंगे? पांच पांच नंबर, क्विक पोलिंग कर रहे हैं, हाँ काटेंगे नहीं काटेंगे, आई डोंट नो, बच्चा हो या बड़ा हो काटेंगे, ये एक ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट में, या नहीं काटेंगे, सारिक चोर मर्द हो या औरत हो काटो, उसका हाथ दिया हुआ है, चलिए आप बताइए, थ्री टू वन एंड पोलिंग, और सही जवाब क्या है आपको पता है? ये रिजल्ट देखते पहले हम लोग, 86 से 79-86% लोगों ने कहा है के हाथ काटेंगे, नहीं काटेंगे, हाँ नहीं काटेंगे, ओके उसको जो उसको ये सजा नहीं मिलेगी, ओके क्यों नहीं मिलेगी? हाँ हम लोग देख रहे हैं इसको, स्टॉप द रिजल्ट्स, तो आइए हम देखते हैं क्यों नहीं देंगे, सही जवाब है नहीं देंगे, हाथ काटने की सजा नहीं मिलेगी, क्यों? उसी तरह कोई पेन चोरी करता है, पेन हाथ काटने की सजा मिलेगी, पेन चोरी कर लिया उसने, कागज चोरी कर लिया, हाथ काटने की सजा मिलेगी, अरबी ग्रामर के हिसाब से तो सारिक है, चोर है, मिलेगी नहीं मिलेगी? उसी तरह चोर काट का हाथ काटने की सजा कौन देगा, कौन देगा? क्या गली गली में चोरों के हाथ पकड़ पकड़ के काटे जाएंगे, कोई भी मिला चोर पर मिला हाथ काटेंगे? नहीं, कौन देगा? आइए देखते हैं सब सवालों का जवाब। पहला सवाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल कलम कद रुफी अन सलास, तीन लोगों की कलम उठी हुई है, कलम उठी हुई है उनके अमाल नहीं लिखे यार, अनिल मजनूनी हता यबरा, मजनून जो होता है ना पागल, यहाँ तक कि उसकी अकल ना आ जाए, वाने नाइमी हता यस्तयकिस, सोया हुआ जब तक जाग ना जाए, नींद में कुछ भी किया उसकी कलम उठी हुई है, कलम उठी हुई है ने उसके अमाल नहीं लिखे जा रहे, अमाल नहीं लिखे जा रहे मतलब गुनाह नहीं लिखे जा रहे, गुनाह नहीं लिखे जा रहे तो सजा क्या चीज की, गुनाह नहीं है तो सजा कैसे, वाने सभी हता याकिल, तीसरा बच्चा जब तक के वो बालिग ना हो जाए, अकल ना आ जाए, हाँ तो ये तीन की कलम उठी हुई है मेरे भाइयों मेरी बहने, आप खुद गौर करो, हाँ कलम उठी हुई है यानी सजा नहीं, कहां से पता चला, हदीस से पता चला, हदीस नहीं है तो सारे चोर है वो, उस पर सजा नाफिज हो जाएगी, लेकिन हम देखते हैं कि हदीस में एक्सप्लेनेशन है। और एक मिसाल,
पेन की चोरी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुख्ताउ यदु फी रुबे दिनार, हाँ के तुख्ताउ यदु हाथ काटने की सजा फी रुबी दिनारिन फसाइदा पाओ दिनार, वन फोर्थ ऑफ अ दिनार या उससे ज्यादा, वन फोर्थ ऑफ द दिनार के लिए है या उससे ज्यादा के लिए, मतलब हाथ काटने की सजा कोई कागज के लिए नहीं है, पेन के लिए नहीं। दिनार कितने का होता था? एक दिनार 4.25 ग्राम गोल्ड, 4.25 ग्राम गोल्ड, पाओ दिनार यानी कि तकरीबन 1 ग्राम। आज ये आज सोने का भाव कितना है? तकरीबन सपोज करो 40,000 45,000, कितना है 1 ग्राम का, कितना हुआ 4,000 हुआ, यानी 4,000 से ज्यादा वैल्यू की चीज है, तब जाके वो जज शरिया जज हाथ काटने की सजा दे सकता है, लेकिन उससे कम वैल्यू में हाथ काटने की सजा नहीं है, कोई और सजा हो सकती है, हाथ काटने की सजा नहीं। ओके, इसी तरह कौन देगा? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला करके स्कॉलर्स का इजमा है, इत्तेफाक है, कंसेंसस है कि ऐसे रास्ता चलता कोई भी आदमी हाथ पकड़ के काट नहीं सकता कि हाँ मैंने सजा नाफिस की, कुरान में दिया ना फक्त हो दिया मैं हाथ काट दो तो मैंने काट दिया, आपसे थोड़ी कहा गया, वो कहा गया है दोज़ इन अथॉरिटी से, मतलब जो अथॉरिटी होते हैं ना, हुकूमत है, वो लोगों को नाफिस करना है। कहां से पता चला? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देख के पता चला, बे भाइयों में बहने दिस इज इस्लाम, और इस्लाम का सोर्स है कुरान और साथ साथ में हदीस। अब से दो मिसालों से हम ये बात समझ सकते हैं कि क्या मामला है। तो यहाँ एक पेशेंट गोई है जो पूरी हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेशेंट गोई की, अबू दाऊद में हदीस सही सनद से, अला इन्नी उतीतुल किताब व मिसलहु मा, मुझे किताब दी गई कुरान और उसके जैसी एक चीज उसके साथ में, सिर्फ कुरान नहीं, कुरान के साथ एक और चीज दी गई। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अला यूशिकु रजुलुन शबान अला अरीकतिही, बहुत जल्द एक शख्स शबान, शबान यानी पेट भराओ, अला अरीकतिही अपने तकिए पे टेक लगा के बैठेगा, यकूलू अलैकुम बिहादल कुरान, कहेगा कुरान को लाजिम पकड़ो, फमा वजदतुम फीही मिन हलाल फहल्लू वमा वजदतुम फीही मिन हराम फहर्रमू, जो कुरान में हलाल है वो हलाल है, जो कुरान में हराम है वही हराम है, वो कहेगा। अब यहां गौर करिए, स्कॉलर्स ने कहा कि ये तो वर्ड है ना, तकिए के पे टेक लगाकर शबान पेट भरा हुआ होगा, इसका मतलब क्या है मालूम है? स्कॉलर्स ने कहा ये चीज जो वर्ड है ना, लेजीनेस बताते हैं, लेजीनेस सुस्ती बताते हैं, सुस्त इंसान होगा वो, सुस्त टेक लगा के बैठा है, पेट भरा हुआ है, मतलब क्या मालूम है आपको? कभी ऐसा होता है कोई सवाल आता है जहन में, कोई हदीस नहीं समझ में आती है, क्या करना होगा? कॉमेंट्री देखना होगा। आपने बुखारी पढ़ा है, बुखारी की कॉमेंट्री है फतुल बारी, एक हदीस में दूसरी हदीस की डिटेल्स मिलती है, डिटेल देखो, नहीं मिला जवाब स्कॉलर से पूछो, उलमा इकराम से पूछो, उस्ताद से पूछो, स्कॉलर से पूछो, चेक करो, कोई चीज नहीं समझ में आया उसको क्या करना चाहिए, एफर्ट लगाना चाहिए, वो पेट भरा हुआ है, धक्के पर टेक लगा दो, कुरान काफी, डायरेक्ट हदीस छोड़ दिया, क्या हुआ? उसने सोर्स ऑफ इस्लाम छोड़ दिया। अब अती और रसूल कैसे करेगा? अब कुरान की तफसीर कैसे मिलेगी? अब उसको मैंने जो दो आयतें मिसाल दी, अब ऐसे 50 आयतें सामने आएगी, वो क्या करेगा? वो विच फॉर्म ऑफ इस्लाम ही विल फॉलो, वो इस्लाम क्या फॉलो करेगा, वो कौन सा इस्लाम फॉलो करेगा, कहां पहुंच जाएगा वो, कितना खतरनाक वो है मामला। और ये चीज हुई है आज, ऐसे लोग आए हैं, पॉपुलर भी हुए हैं यूट्यूब वगैरह की वजह से, लेकिन क्या है मामला? गुमराही है ये, ऑब्वियस गुमराही है। जो कुरान सचमुच फॉलो करे ना, उसको हदीस फॉलो करना होगा, इफ ही इज अ फॉलोअर ऑफ द कुरान ही हैज टू फॉलो द हदीस। ओके, इंशाल्लाह, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां से मैं स्टार्ट करना चाहता हूं एक सेक्शन जहां पे हम उलूमुल हदीस, साइंस ऑफ हदीस सीखेंगे इंशाल्लाह। सिखाने में मकसद क्या है? देखिए, हम लोग एक इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, आसान तरीके से देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। मकसद क्या है मालूम है आपको? इस एक्सरसाइज का मकसद ये है, और अभी मिड पॉइंट पे हम पहुंच रहे हैं, आखिरी क्लास की मिड पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, और यहां से ये जो है थोड़ा सा ये टेक्निकल हिस्सा स्टार्ट हो रहा है। इसकी जरूरत क्या है आपको मालूम? अगर आप थोड़ा सा डुबकी लगाओ, थोड़ा सा अंदर जाके देखो, तो आपको पता चलेगा कि चलता कैसे। बाज लोग क्या समझते हैं ना कि हदीस ये अच्छी लगी ना, ये मुहदिस को ये हदीस अच्छी लगी उन्होंने सही बोल दिया, वो मुहदिस को हदीस अच्छी नहीं लगी उन्होंने सही बोल दिया, ऐसे नहीं है, ऐसे रैंडम नहीं है, रैंडम कहाँ अच्छा लग रहा है नहीं अच्छा लग रहा है, ये मानो ये नहीं मानो। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम लोग एक ऐसे दीन में है जो रिलीजन ऑफ प्रूफ है, ये एक महफूज दीन है, इसकी हिफाजत किसी इंसान ने नहीं की,
इसकी हिफाजत करने वाला खुद अल्लाह है। इंसानों ने खिदमत की, करने वाली हिफाजत करने वाला अल्लाह है। ये वो दीन है जिसके ताल्लुक से अमेजिंग एक्यूरेसी के साथ बाकी है, पूरा हिफाजत के साथ कुरान हदीस। क्यों क्यों? अभी अभी नहीं, कयामत तक कोई इंसान आ जाए, कोई बात कहे, उसको चेक किया जा सकता। अगर मैं आपसे कह दूं ये है मामला, आप चेक कर सकते हैं, हर चीज तहकीक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। आइए हम लोग थोड़ा साइंस ऑफ हदीस में अंदर जाएं, ताकि एक तो नंबर वन हदीस के ताल्लुक से हमारे लिए क्लैरिटी हो जाए कि हदीस सही ज़ईफ कैसे होती है। हाँ, एक साइंस है। अच्छा, ये भी बात बता दूं कि अभी एक घंटे के सेशन से आप मुहद्दिस नहीं बनने वाले, लेकिन कम से कम मुहद्दिसीन कुछ बात कहेंगे तो आपको बात समझ में आने लगेगी, आपको लगेगा हाँ समझ में आ रहा है मुझे, तो ये होगा और ये इसका मकसद है। ओके, इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये फोटो देख रहे हैं आप। अगर कोई शख्स आपसे कहे, सोचो ये जो टॉप पे लिखा है ना, नहीं लिखा होता, कोई कहे कि मैं ऐसी जगह पे जा रहा हूं, वहां पे मैं ऐसी जगह पे गया था, वहां मरीज थे, डॉक्टर्स थे, बेड्स थे, इलाज का इंतजाम था, हाँ सारा सिस्टम था, दवाइयां थी, तो आप क्या कहेंगे? कोई वॉलंटियर हाथ उठाए, क्या कहेंगे? अगर कोई आपसे कहे मैं ऐसी जगह पे गया था, यस यहाँ पे सिस्टम नुसरत और वहां पर डॉक्टर साजिदा, दो लोगों को मैंने मौका दिया है, ब्रदर अब्दुल्ला, हाँ बोलेंगे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल, वेरी गुड वेरी गुड। ब्रदर अब्दुल्ला ने एक बहुत अच्छा जवाब दिया, कहा कि अरे भाई हॉस्पिटल में गए थे, बोलो इतना लंबा क्यों बता रहे हो कि वहां बेड्स थे, पेशेंट्स थे, डॉक्टर्स थे, दवाइयां थी, मेडिकल, बोलो हॉस्पिटल में गए है कि नहीं। मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, एक्चुअली एक और मिसाल है। मान लो कोई आपसे कहे कि मैं ऐसी जगह पे गया था, चलो जो लोग हाथ उठाए ना, अनम्यूट ऑप्शन दिया है, हाँ दो लोगों को दे दो, यहाँ पे दो लोग, यहाँ दो लोग, मैंने दो लोगों को ऑप्शन दिया है अनम्यूट का, ओके सोचो। मैं वो तो पहचाना, दो लोगों को मौका दे रहे हैं हम लोग। हाँ, तो अगर कोई कहे कि मैं ऐसी जगह पे गया था, वहां स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, बोर्ड था, बेंचेस थी, यूनिफॉर्म में लोग दिख रहे थे, तो क्या कहेंगे आप शॉर्ट में? आप से कौन जवाब देगा? हॉस्पिटल। कहाँ गए थे? हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। नहीं नहीं, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर, यस। और कौन सही जवाब देगा? क्वेश्चन रिपीट होगा? नहीं, क्वेश्चन नहीं रिपीट होगा, आपको गौर से सुनना चाहिए जी। स्कूल, ये कहो के स्कूल गया था, हम बेंचेस थी, क्लासरूम था, मतलब क्या है, स्कूल गए थे, है ना, शॉर्टकट। मतलब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, आप बोलेंगे व्हाट यू वांट टू से, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ मैं बता देता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि ये टर्म जो होता है ना, टर्म से काम शॉर्ट हो जाता है। अगर हमारे पास स्कूल नाम का वर्ड नहीं होता ना, तो हमें ये बोलना पड़ता मैं एक ऐसी जगह पे गया था, वहां बेंचेस थी, टीचर्स थे, स्टूडेंट थे, पढ़ाई थी, बुक्स थी। अरे स्कूल गए थे बोलो, अरे हॉस्पिटल गए थे बोलो, एक वर्ड से काम आसान हुआ कि नहीं हुआ, लाइफ आसान हुई कि नहीं हुई? तो यहाँ ये मेंटली आप थोड़ा रेडी हो जाओ कि थोड़े टर्म्स आने वाले, कुछ टर्म्स आने वाले। क्यों आने वाले? वो टर्म्स से थोड़ी लाइफ आसान होती है, वो टर्म्स से लाइफ आसान होती है, इसलिए इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़े टर्म्स के लिए माइंड को ऑफ ना करो। कुछ लोग क्या बोलते हैं, अरे ये वर्ड्स क्यों हैं, ये मौजू, ये ज़ईफ, ये अभी आए थे ना वर्ड्स, मौकूफ, मक्तो। अब शॉर्ट में अगर बोलना है कि ये मुरसल हदीस है, ये सॉरी ये मरफू हदीस है, तो क्या बोलेंगे? शॉर्ट में बोल रहे हैं मरफू यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। हाँ, तो कुछ वर्ड्स की जरूरत होती है। ओके इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते हैं। हदीस के दो पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट आप ये याद रखेंगे, सनद मतन। सनद चेन ऑफ नरेशन, चेन ऑफ नरेशन, कौन बयान कर रहा है। जैसे ये हदीस सही बुखारी के आप देख रहे हैं किताबुल इल्म में है, हदसना मोहम्मद इब्न बशार, इमाम बुखारी कहते हैं कि हमें मोहम्मद इमाम बुखारी को उनके टीचर मोहम्मद इब्न बशार ने हदीस बताया। काला, उन्होंने कहा, हदसना यहया बिन सईद, उन्हें यहया बिन सईद ने बताया। काला हदसना शोबा, उन्हें शोबा ने बताया। काला हदसनी अबू तैयाह, उन्हें अबू तैयाह ने बताया।
अन अनस इब्न मालिक उन्होंने अनस इब्न मालिक से बताया अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया قال يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا यहां पे जो अन नबी के नीचे वाला हिस्सा है वो मतन है मतन है यसरु वला तुअसरु बशरु वला तुनफरु आसानी करो मुश्किलें ना करो खुशखबरी दो लोगों को अपने से दूर ना करो तो यहां क्या है हदीस का जो फर्स्ट पार्ट जो है ना चेन ऑफ नरेशन उसे क्या कहते हैं सनद हाँ सनद और उसके बाद जो है उसे क्या कहते हैं मतन टेक्स्ट सनद चेन मतन टेक्स्ट ओके इंशाल्लाह याद रहेंगे वर्ड्स रिपीट करिए सनद मतन सनद मतन सनद चेन मतन टेक्स्ट हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से इसकी इंस्पिरेशन मिलती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था तस्माउना तुम लोग मुझसे सुनते हो व युस्माउ मिम्मन समिया मिनकुम और तुमसे दूसरे लोग सुनेंगे और जो लोग तुमसे सुनेंगे उनसे दूसरे लोग सुनेंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे इनडायरेक्टली चेन ऑफ नरेशन की तरफ इशारा किया हदीस सुनन अबू दाऊद में मौजूद है तो हदीस सही कैसे हो जाती है हम पांच कंडीशन देखने वाले इमाम इब्न हजर अल असकलानी ने जिक्र किया है ये पांच मुत्तफका यूनानिमस कंडीशंस है ये कंडीशंस पास होती है तो जाके हदीस सही होती है अगर हम सब अभी के अभी आप सब अगर मेरे साथ रिपीट करें आपको ये पांच कंडीशन इंशाल्लाह याद हो जाएगी ओके इंशाल्लाह सबसे पहली शर्त ये होती है कि पूरी की पूरी सनद मुत्तसिल होनी चाहिए मुत्तसिल कनेक्टेड होनी चाहिए चेन जुड़ी हुई होनी चाहिए मुत्तसिल सना पूरी की पूरी जुड़ी हुई होनी चाहिए मतलब क्या देखो मैं मिसाल देता हूं कि चेन में अगर मान लो कि बहुत सॉलिड मजबूत चेन है लेकिन उसके अंदर ब्रेक है उसके अंदर ब्रेक है क्या होगा इतनी भी मजबूत है ब्रेक है तो नो यूज मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा पार्सल जो कुरियर का आता है हमारे पास सामने वाले ने जब दिया था तो उसके देने के बाद एक ऑफिस में पहुंचा ट्रांसपोर्टेशन में पहुंचा प्लेन के जरिए या ट्रक के जरिए फाइनली रेसिपिएंट तक पहुंचता पूरा उसकी चेन होती है चेन कनेक्टेड होना जरूरी है मान लो एक ही जगह पे ब्रेक आया एक जगह पे तो चोर पार्सल लेके चला गया डिलीवरी नहीं होगी चेन में एक जगह पे कट हो गया पार्सल कहीं ड्रॉप हो गया तो वो पार्सल पहुंचने वाला नहीं है चेन कनेक्टेड होना जरूरी है लॉजिकल बात है ना बहुत सिंपल बात है कि चेन कनेक्टेड मतलब मिसाल दे रहा हूं मुझे दो वॉलंटियर्स या एक वॉलंटियर हाथ उठाए मैं आपको मिसाल देता हूँ यहाँ पे मोहम्मद दानिश ने हाथ उठाया मैं पूछा यस ब्रदर दानिश आप बताइए मोहम्मद दानिश आप कब बॉर्न हुए 1984 में बॉर्न हुए हमारे दानिश भाई अब बताइए कि अगर दानिश भाई कोई एक ऐसे शख्स से बयान करें कोई बात जो 1960 में जिनका इंतकाल हुआ तो क्या पता चला दानिश भाई आपसे ही पूछूंगा चलो किसी और से पूछते हैं यस यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ ब्रदर अब्दुल्ला बताइए अगर दानिश भाई ऐसे पर्सन से बयान कर रहे हैं जो 1960 में बॉर्न हुए इंतकाल हुआ तो आप क्या समझेंगे सर इम्पॉसिबल है ना वो नॉट इम्पॉसिबल पॉसिबल है कौन बता सकता है कैसे पॉसिबल है मतलब सर अगर दानिश भाई आप बताइए आपको क्लिक हो गया तो अगर मैं ऐसे किसी शख्स को जानता हूं जो उस वक्त मौजूद था और उसने मुझे बताया देखिए कितना सही जवाब है जिस पे बीती है ना वही सही जवाब दे पाता है ना क्योंकि कोई और तो उनके बारे में मिसअंडरस्टैंड करेगा कि इम्पॉसिबल लेकिन उन्होंने समझा कि मैं कोई ऐसे शख्स से मुलाकात कर रहा हूं जो कनेक्टिंग पर्सन है लेकिन एक बात पक्का है कि अगर वो डायरेक्टली कह रहे हैं कि उनसे मिला मतलब बीच में एक नरेटर आया है चेन कनेक्टेड नहीं है फर्स्ट पॉइंट चेन कनेक्टेड होनी चाहिए ओके इंशाल्लाह याद रहेगा सर एक हेलो सवाल आप सर वो चैट को जरा वो कर दो ना म्यूट कर दो ना चैट्स को ओके जज़ाक अल्लाह खैर जज़ाक अल्लाह खैर यहां से वेट ओके कर लिए तो यहां पे बात ये है कि फर्स्ट चीज कनेक्टेड होनी चाहिए चेन कनेक्टेड होनी चाहिए मतलब कोई भी रावी नरेटर बीच में से मिसिंग नहीं होना चाहिए ओके इंशाल्लाह सेकंड हर रावी आदिल होना चाहिए आदिल आदिल का मतलब दीनी एतबार से सही दीनी एतबार से रिलायबल होना चाहिए अच्छे अखलाक वाला होना चाहिए दीनी एतबार से रिलायबल होना चाहिए अगर मान लो
कोई ऐसा शख्स है जो झूठा है, लायर है, चीट है, फ्रॉड है, ऐसे शख्स का बयान करें तो क्या वो बात रिलायबल होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो दीनी एतबार से सही होना चाहिए, आदिल होना चाहिए। क्या चीजें हैं हम लोग बाद में देखेंगे, आदिल कैसे होता है एक इंसान, उसके अंदर क्या चीजों से उसको जरा उसकी अदालत को जरा पहुंचती है, मतलब हार्म होती है उसकी अदालत, हम लोग दो मिनट बाद देखेंगे। अभी इतना याद रखिए, हर रावी आदिल होना चाहिए। तीसरी चीज, हर रावी जाबित होना चाहिए। जाबित, जाबित का मतलब उसका प्रिजर्वेशन अच्छा होना चाहिए। याद किया है तो बराबर से याद है कि नहीं याद है, लिख के रखा है तो बराबर से लिख के रखा है कि नहीं रखा है। दो टाइप की जब्त है, जब्त फिर सौद्र सीने में जब्त, और जब्त फिर किताब, किताब में जब्त। उस जमाने में क्या था, लोगों के मेमोरीज भी बहुत अच्छी थी, तो सीने में जब्त, मेमोरी प्रिजर्वेशन भी बहुत अच्छी हुआ करते, और लिख के रखा है तो बराबर से लिख के रखा है कि नहीं रखा है, कि पानी गिर गया किताब के ऊपर, किताब का वो हिस्सा फेड हो गया, पढ़ने में नहीं आ रहा है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक सॉफ्टवेयर थी उसमें हम लोगों ने एक हदीस सर्च किया था, एक बार जस्ट मिसाल दे रहा हूँ। एक हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अलहब्बतु सौदा, ब्लैक जो ड्रेन होता है ना, कलौंजी, फीहि शिफा, उसमें शिफा है, मिन कुल्लि दा, हर बीमारी से, इल्ला साब, सिवाय मौत। तो वो एक सॉफ्टवेयर के अंदर, हब्बतु सौदा के अंदर, हब्बा के बा के नीचे एक डॉट होता है ना, उसके अंदर दो डॉट आ गए, तो बन गया था हय्यतु सौदा। हय्यतु सौदा यानी ब्लैक सांप, उसमें शिफा है हर बीमारी से सिवाय मौत के, मतलब मीनिंग चेंज हो गई ना। तो लिख के रखा है तो बराबर से लिखा है कि नहीं लिखा है, ऐसा तो नहीं कि कुछ प्रिजर्वेशन सही नहीं है। जब्त फिल सदर और जब्त फिल किताब, मतलब याद है तो बराबर से याद है कि नहीं याद है, और अगर लिख के रखा है तो बराबर से लिख के रखा है कि नहीं रखा है। अच्छा, आप गौर करिए, मैं आप सबसे सवाल पूछ रहा हूं, देखते कौन जवाब देगा। हैंड्स डाउन सवाल यह है कि कोई दीनदार आदमी, क्या उसकी मेमोरी कभी खराब हो सकती? दीनदार, ये सिस्टर अमीना, दो लोगों को मैंने मौका दिया है वहां पे, अयास और जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जी, उनकी मेमोरी लॉस हो सकती है कि अगर अल्लाह चाहे तो। जी सिस्टर बताइए, दीनदार आदमी की मेमोरी खराब हो सकती है, आप लोग बोल रहे हो, अयास भाई? जी हो सकती है। हाँ जी, यस सिस्टर बताइए। ओके चलिए अगला सवाल। यस सही बात है, दीनदार आदमी की मेमोरी खराब हो सकती है, ऐसा नहीं कि सब दीनदार लोगों की मेमोरी अच्छी है, सब बेदीन लोगों की मेमोरी खराब है, ऐसा नहीं है। अच्छा ये बताओ, कोई शख्स बेदीन है लेकिन मेमोरी अच्छी है तो चलेगा? बेदीन गलत झूठा शख्स है लेकिन मेमोरी बहुत अच्छी, चलेगा नहीं चलेगा? चलिए नवेद शेख शमशेर भाई वहां पे भी, जी अयाज भाई बताइए। हाँ नहीं चलेगा, मेमोरी तो अच्छी है, तो क्या चीज चाहिए आप लोगों को? दीनदार चाहिए, मेमोरी अच्छी चाहिए, बताइए। दीनदार अच्छी चाहिए या मेमोरी अच्छी चाहिए, बताइए। दोनों चाहिए। सही जवाब अब्दुलरहमान खान, वेरी गुड माशाल्लाह, और आमना खान ने चैट में, वेरी गुड, दोनों चाहिए, वेरी गुड। और किसी ने कहा कि नहीं दीनदार चाहिए, दीनदार भी चाहिए और मेमोरी भी अच्छी चाहिए, सिर्फ मेमोरी अच्छी नहीं चलेगी, सिर्फ दीनदारी नहीं चलेगी। तो तीन कंडीशन हो गए, फर्स्ट सनद कनेक्टेड होनी चाहिए, मुत्तसिल, सनद में ब्रेक नहीं होना चाहिए, पार्सल नहीं पहुंचेगा सनद में ब्रेक होगा तो, पानी का पाइप वहां से पानी निकला, अगर आपके घर तक ब्रेक के बगैर नहीं आएगा तो पानी नहीं आने वाला नल में, ब्रेक के साथ पानी गिर जाएगा वहीं दरमियान में, है ना, पार्सल गुम हो जाएगा, छूट जाएगा बीच में, तो कनेक्शन चेन में ब्रेक नहीं आना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, हर रावी आदिल होना चाहिए, मतलब दीनी एतबार से सही होना चाहिए। नंबर तीन, जाबित होना चाहिए, उसका प्रिजर्वेशन सही होना चाहिए। क्या आपको पता है, हम लोग बहुत आसानी से बोलते हैं कि ये रावी हदीस सही है, मुहद्दिसीन कितना एक सही हदीस को सही दर्जा देने से पहले कितनी चेकिंग करते हैं, आज हम लोग वो अंदर जाके देख रहे हैं, हाँ वो देख रहे हैं इंशाल्लाह। नंबर चार, अच्छा नंबर चार से पहले मैं आपको एक पीछे जाकर एक बात बताऊं, जरा पीछे आ रहे हैं हम लोग, मैं आपको एक चार्ट बता, देखिए चार्ट देख रहे हैं आप, कई बार ऐसा होता है ना कि एक हदीस उसके कई नरेटर्स होते हैं, कई रावी होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ए ने एक बात कही, उनसे ये तीन लोगों ने सुना, फिर ये ब्लू में आप देख रहे हैं ना, ब्लू में शख्स, तो
उससे दो लोगों ने सुना, फिर ये एक से एक ने सुना, ऐसे कई चेन्स होती है, कई चेन्स होती है। यहां तक आके कई बार एक एक हदीस के 700-700 चेन्स हो जाते हैं। और मुहद्दिसीन की टर्मिनोलॉजी में मैं आपको बता दूं, वो लोग अगर एक हदीस के कई चेन हो गए ना, दूसरी चेन हो गई, उसे दूसरी हदीस काउंट करते हैं। आपने सुना होगा इमाम बुखारी ने 300,000 हदीसें याद की थी, वो 300,000 कैसे, अलग चेन से उस हदीस को अलग काउंट करते हैं, क्योंकि ये हदीस फलां चेन से मिली है, ये हदीस फलां चेन से मिली है, तो उसे अलग हदीस काउंट करते हैं। तो आप ये बात समझ में, उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह। अब इसमें क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है, मैं मिसाल दे रहा हूं, आप देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है जो मैं अभी मैं बताने वाला हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक टीचर, मुझे 3 वॉलंटियर्स चाहिए, मैं यहां से ले रहा हूं, नवेद शेख, शमशेर खान, शमशेर भाई और मिनहाजुल इस्लाम, 3 लोगों को मैंने लिया। यस, आप लोग अनम्यूट करिए, तीनों पास सब म्यूट। ओके, मैं 3 लोगों को लिया। यस, नवेद शेख, म्यूट म्यूट। वालेकुम सलाम, आप तीनों मौजूद हैं। सपोज करो मैं आप सब तीनों, आप लोग जवाब दोगे इंशाल्लाह। सपोज करो कि एक बात, आप सब तीनों कहीं पे खाने की दावत में गए, ओके इंशाल्लाह। अब खाने की दावत में एक और आदमी को ऐड करते हैं ताकि और अच्छा हो जाए। कौन है, ऐड करें, जस्ट अ मोमेंट, यहीं से दे रहा हूं, दिख रहा हूं, ब्रदर, कौन से ब्रदर है यहाँ पे, एक ब्रदर हाथ उठाइए कोई। चलिए अज्यूम करते हैं, मैं आगे बढ़ता हूं इंशाल्लाह। हाथ डाउन, एक और ब्रदर हाथ उठाइए जल्दी से। ओके, ब्रदर सादिक, हाँ ब्रदर मोहम्मद अफरोज। चलिए, 4 लोगों ने हाथ, मैंने उनको 4 लोगों को ऑप्शन दिया है। यस, आप लोग बताइए कि आप लोग कहीं खाने की दावत में गए, 4 लोग, और खाना खाने के बाद 4 में से 3 लोग अगर ये कहें कि वहां पे बिरयानी थी और लास्ट में खीर भी बनी थी, बिरयानी भी थी और खीर भी थी, 4 में से 3 लोग बोल रहे हैं खीर थी, एक शख्स बोल रहा है नहीं नहीं सर बिरयानी थी, तो आप लोग क्या समझेंगे इस बात से, क्या समझेंगे बताइए। चलिए, कौन सॉल्व करेगा, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों की मिसाल थी। एक बंदे की याददाश्त थोड़ी कम थी, याददाश्त कम थी ऐसा लग रहा है, हाँ खीर खा के भूल गए, हाँ क्योंकि 3 लोग तो बोल रहे खीर थी, एक बोल रहा है कि नहीं थी, है ना। ओके, एक बंदे की याददाश्त कमजोर थी, ठीक है, अब क्या वो झूठा है? नहीं, अच्छा गुमान कर रहे हैं आप, याददाश्त कमजोर है उसमें से, है ना। ओके, अच्छा एक आंसर बहुत ही इंटरेस्टिंग मिला है, हो सकता है उसको मिली नहीं हो सकता है उसको मिली नहीं, कितना अच्छा रिकंसिलिएशन दिया है, वेरी गुड आंसर, हाँ जो जो सिस्टर ने जवाब दिया बहुत अच्छा आंसर दिया। ओके, बोलने की बात क्या है, कभी कभार ऐसा होता है, आप लोग सब मेरे सवाल का जवाब दे दिया। एक मुहद्दिस एक बात बयान कर रहे हैं, उनके पास 10 स्टूडेंट्स है, 10 सुनिए ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, 10 में से 9 एक बात बोल रहे हैं, एक दूसरी बात बोल रहे हैं, 10 ने कहा कि ये हदीस ऐसी ऐसी है, एक कह रहे नहीं हदीस ऐसी नहीं वैसी है, ऐसी नहीं वैसी है। अब क्या हुआ, वो एक के बारे में हम लोग क्या कहेंगे, इंसान है, मिस्टेक हो गई, झूठा आदमी नहीं है, मेमोरी लगता है थोड़ा सा मिस हो गई, एक बार छोड़ दिया जाता है। और सुनिए, बार बार उनकी सब हदीसें चेक की जा रही है, ये टीचर के 10 स्टूडेंट्स में से 9 एक तरफ, एक एक दूसरी बात बोल रहे हैं, उनकी बात कंफ्लिक्ट कर रही है, तो फिर क्या होगा, उनकी ग्रेडिंग कम होती जाएगी, सब उसकी मेमोरी की ग्रेडिंग कम हो जाएगी, यानी पहले सही के दर्जे तक वो काउंट हो रहे थे, जब देखा गया मिस्टेक्स हो रही है तो हसन के दर्जे तक आ जाएंगे, और ज्यादा प्रॉब्लम हुआ तो जईफ के दर्जे तक पहुंच जाएंगे। ओके, तो यहां क्या मामला, एक शख्स के, एक स्कॉलर के, हो सकता है 200 साल बाद मुहद्दिसीन जब एनालाइज कर रहे हैं वो रावी के बारे में इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे वो लोग देख सकते हैं कि ये रावी की मेमोरी प्रिजर्वेशन दिमाग नहीं था, मतलब इवैल्यूएट करते हैं वो लोग इस साइंस की वजह से, ये इतनी सारी चेन्स ऑफ नरेशन होता है ना, इसकी वजह से जब्त की ग्रेडिंग होती है, ग्रेडिंग कि क्या इसका जब्त कितना, इसका प्रिजर्वेशन कितना अच्छा था, ऐसे कंपैरेटिव तौर पर चेक किया जाता है। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है ये।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तीन चीजें हो गई, चौथी चीज अब चलिए मैं आप सबसे सवाल पूछ रहा हूं। सवाल यह है कि कोई रावी सोचो आदिल है, सच्चा इंसान है, झूठा नहीं है, जाबित भी है, मेमोरी भी अच्छी है, लेकिन फिर भी तो इंसान है ना, इंसान है। ऐसे इंसानों की मिस्टेक कहां कैच होने वाली है? इंसान तो मिस्टेक कर सकते हैं भाई, दीनदार इंसान है, सच्चा इंसान है, झूठा नहीं है, मेमोरी भी अच्छी है, प्रिजर्वेशन अच्छा है, एहतियात है उसके अंदर, इंसान में एहतियात है, उसकी ग्रेडिंग अच्छी है, लेकिन फिर भी तो इंसान है ना। उन्होंने बाय मिस्टेक कोई बात कह दिए और हमारे लिए तो वो हदीस है, तो फिर क्या होगा मामला? आप में से कौन जवाब दे सकता है? उसको कहां चेक करेंगे? यस, ऐसा मुमकिन है कि नहीं, पहले बताइए। जी मुमकिन है। कैसे? दीनदार इंसान के साथ, दीनदार हो, मेमोरी अच्छी हो, फिर भी मिस्टेक हो सकती है। बिल्कुल, यानी जो कहा मुमकिन है, यस, कौन जवाब देगा? दीनदार इंसान, मेमोरी अच्छी है, फिर भी मिस्टेक हो सकती है। बिल्कुल सही। अब देखिए इसको हम देखते हैं हमारे दीन में कैसे कैच किया गया। क्यों मालूम है? छलनी होती है, छलनी, एक के नीचे एक छलनी लगाई गई ताकि कोई मिस्टेक ना आए दीन के नाम में, दीन के नाम में कोई फैब्रिकेटेड चीज ना आ जाए, इसलिए। तो इस वजह से आइए हम देखते हैं आगे। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जैसे मैं आपको जो मिसाल बताई कि शाज नहीं होना चाहिए हदीस, मतलब अपने से ज्यादा रावियों से या अपने से ज्यादा मोतबर रावी से वो बात टकरानी नहीं चाहिए, वो बात टकरानी नहीं चाहिए। आपका मोबाइल ले लो दूसरा। ओके जी, अपने से ज्यादा रावियों से या अपने से मोतबर रावी से बात टकरानी नहीं चाहिए। हाँ, मतलब क्या कि हदीस के अंदर हर रावी के अंदर चेक कर रहे हैं आदिल है कि नहीं है, जाबित है कि नहीं है, उसके बाद एक और छोड़ी हदीस शाज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक मिसाल देना चाह रहा हूँ जो बहुत ही अमेजिंग मिसाल है इस बात के लिए कि कहीं सही लोगों से भी मिस्टेक होती है, सही लोगों से भी मिस्टेक हो सकती है। मिसाल के तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार असर की नमाज में चार रकात की जगह दो रकात नमाज पढ़ाई, तो सहाबा रुके रहे, दो रकात नमाज पढ़ाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टर्न हुए और अपने अस्कार पढ़ने लगे। तो फिर बहुत उठने के बाद एक सहाबी जिन्हें ज़ुल्यदैन कहते थे, हाथ थोड़े लंबे थे, वो आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आकर के सवाल पूछा, जो अंडरलाइन पूछने में वो पढ़ रहा हूँ, अक़सरत सलाह या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आम नसीत, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या नमाज कम कर दी गई है, क्या आप भूल गए? तो फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु ज़ालिका लम यकुन, नहीं, दोनों सही नहीं है, ना नमाज कम हुई है ना मैं भूला हूं। हाँ, क्योंकि जो इंसान भूलता है तो उसको मालूम नहीं होता है ना, मालूम हो तो कैसे भूला, भूलना कौन करेंगे, है ना। तो उस बात पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर गए, बाकी सहाबा से पूछा, पता चला कि उन्होंने सचमुच चार रकात की जगह दो रकात पढ़े हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो रकात नमाज पढ़ाई, सजदा सहू किया। हमारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्वा और नमूना है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी भर में कभी भूलते ही नहीं तो नमाज में हम लोग भूले तो हम लोग क्या करें, हमें कैसे मालूम पड़ता। तो अल्लाह ताला ने ऐसी हालत पैदा की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भूले और हमें पता चला कि हमें क्या करना है, नमाज में भूल जाए तो क्या करना है। लेकिन यहाँ पॉइंट क्या है मालूम है आपको? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो कहा था, ना मैं भूला हूँ ना नमाज कम हुई है, तो ये बात जो स्टेटमेंट था उनका, बाद में क्या पता चला कि नहीं, रियलिटी में भूले थे। हाँ, भूले थे, ऑफकोर्स उनको पता नहीं था इसीलिए तो वो भूले हैं, अगर पता होता तो आदमी जानबूझ के थोड़ी दो रकात पड़ेगा, है ना। तो यहाँ बात क्या है कि कभी सही, और इसमें कोई शक नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए इस कायनात में इंसानों में सबसे मोतबर, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इंसान है तो हम देखते हैं कि इंसानी तकाजे के तौर पे अगर कहीं कुछ मिस्टेक हुई तो उसको चेक करने का कौन सा रूल है? शाज। याद रहेगा इंशाल्लाह, चार कंडीशन हो चुकी है। फर्स्ट है, क्या है फर्स्ट? हदीस मुत्तसिल होनी चाहिए। नंबर दो, हर रावी आदिल होना चाहिए, हर रावी साबित होना चाहिए, हदीस शाज नहीं होनी चाहिए। और नंबर पांच, हदीस मुअल्लल नहीं होनी चाहिए, मतलब उसमें
मुअल्लल नहीं होनी चाहिए, मतलब क्या उसमें कोई इल्लत नहीं होनी चाहिए, ढकी छुपी इल्लत। देखिए ये क्या मामला है, मुअल्लल किसे कहते हैं कि जिसके अंदर कोई डिफेक्ट है लेकिन वो हिडन है। जो फर्स्ट फोर में आया ना वो फोर में से ही एक होगा, सिर्फ ये होगा कि हिडन है, जो एक्सपर्ट मुहद्दिसीन कैच कर सकते हैं। यानी कभी कभार कोई ऐसी चीज होती है जो आम मुहद्दिसीन नहीं कैच कर पाता ऑन द सर्फेस, सब ठीक लग रहा है, कोई हिडन डिफेक्ट है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बीमार है तो बीमारी में क्या हाथ पांव गायब हो जाते हैं? नहीं, हाथ पांव वहीं पे है, सर्दी हो गई है भाई, सर्दी हो गई तो हाथ पांव वहीं पे मौजूद है, हाथ पांव गायब नहीं हो जाते। लेकिन सर्दी अंदर होती है या फिर कोई बीमारी कभी अंदर होती है तो मुअल्लल यानी कि उसके हिडन डिफेक्ट है, उसका बाहर से स्ट्रक्चर ठीक है, सब चीज ठीक लग रहा है लेकिन कोई हिडन डिफेक्ट। तो ये पांच चीजें चेक की जाती है, पांच रिपीट करेंगे, आप में से कौन पांचों रिपीट कर सकता है विदाउट सी देखे बगैर? एक एक रोमन वाले ग्रुप में से एक, एक ब्रदर सिस्टर वहां ग्रुप में से। चलिए मैं क्लियर कर दिया हूँ, यहाँ से हम इंग्लिश में से नाजिम। ओके मैं पहले डिस्प्ले में से हटा देता हूँ, राइट ठीक है। मैं मौका दे रहा हूँ ब्रदर हमदान को यहाँ पर, बताइए पांचों कंडीशन देखे बगैर। हाँ जी पहला मुत्तसिल होना चाहिए, और दो जी और दो नंबर आदिल होना चाहिए, और तीन जावेद होना चाहिए, और तीसरा चौथा साज नहीं होना चाहिए और मुअल्लल नहीं होना चाहिए। वेरी गुड माशाल्लाह, इल्लत नहीं होनी चाहिए, मुअल्लल नहीं होना चाहिए, वेरी गुड। पांच चीजें आपने याद की। अब आते हैं हम लोग अदालत पे, क्या चीज से जरा, क्या चीज से हाम होती है अदालत, पांच चीजें हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अदालत चेक करने के ताल्लुक से बहुत ही बुनियादी आयत अल्लाह ताला फरमाया या अय्युहल्लज़ीन आमनू ऐ ईमान वालों इन जाअकुम फासिकुन बिनबअ, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक कोई खबर लेकर आए, फासिक कोई बुरा शख्स, फासिक नाफरमान गुनाहगार बुरा शख्स कोई खबर लेकर आए, फतबयनु चेक कर लो चेक कर लो, मतलब किसकी खबर चेक करो, फासिक की। कोई मोतबर लेकर आए तो ले लो, फासिक आए फासिक की खबर हो चेक करो, तो फासिक की खबर को चेक करो। अंतुसीबु कौमन बिजहालत, कहीं ऐसा ना हो जाए कि किसी कौम को अपनी जहालत में तुम तकलीफ पहुंचा बैठो, ईजा पहुंचा बैठो। फतुस भी हो आला माफाल तुम नादमीन, और फिर बाद में तुम्हें अपने करे पे पछतावा होने लगे, नदामत होने लगे। हाँ तो ये इस्लाम ने रूल सिखाया कि कोई फासिक कोई खबर लेकर आता है तो चेक करो। हाँ ये कायदा है इस्लाम में। तो आइए कैसे क्या चीजों से जरा होती है, ये पांच चीजें, फाइव फाइव। फर्स्ट, अगर किसी रावी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में झूठ कहा है, ये खुद एक इतनी बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा गुनाह है, क्योंकि फैब्रिकेटर है वो, झूठा शख्स है, वो दीन के नाम में नई चीज लाने वाला शख्स है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में हदीस गढ़ने वाला शख्स है। अगर साबित हो गया कि उसने जानबूझ के गढ़ा है, एक बार साबित हो गया ना, उसकी सब के सब हदीसों को टाइटल मिलेगा मौजू फैब्रिकेटेड, मतलब हदीस नबी में झूठ बोलना बहुत बड़ा झूठ। ऐसा नहीं है कि आमतौर पर भी किसी के नाम में झूठ बोलना गलत था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में झूठ बोला है बस। हाँ अलकिज़्ब फिल हदीस नबवी, ये एक ऐसी चीज है जिससे उसकी अदालत पे जरा होती है। आपको पता है हदीस क्या है कि उसने अपने लिए जहन्नम की आग में जगह बुक करी, कितनी खतरनाक गुनाह है। और लोग आज क्या क्या चीजें बयान करते हैं, फरमाया है फरमाया, अरे रुको चेक तो करो, फरमाया है चेक करो फिर बयान करो, दस की जगह एक बयान करना, कंफर्म बयान करना, अपनी तरफ से बयान करते हुए बना के उसने बयान किया, बहुत बड़ा गुनाह है फर्स्ट, तो अदालत को ब्रेक हो जाती है। दूसरा अल इत्तिहाम बिल कदीब, झूठ का इल्जाम हो, मतलब आम बोलचाल में झूठ बोलने वाला इंसान था, मालूम था कि ये झूठ बोलने वाला इंसान है। क्या आपको पता है हमारे दीन में जो रावी होते हैं ना, रावी नरेटर्स, उनकी जिंदगियां प्रिजर्व है, महफूज है, सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी नहीं, सिर्फ सहाबा इकराम नहीं, 640,000 के करीब रावियों की जिंदगियां महफूज है, और उसकी इंफॉर्मेशन हमें बुक्स ऑफ रिजाल में मिलती है, किताब रिजाल,
जैसे नबी सलासम के बारे में हदीसें, हदीस की किताब हमें मिलती है ना, यहाँ पे रिजाल की किताबें हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इमाम बुखारी की जो सही बुखारी जो मशहूर किताब है वो हदीस की किताब है, उनकी तारीख अल कबीर रिजाल की किताब भी है। रिजाल की किताबों में ये नरेटर्स की सनदें होती, वो भी सनद के साथ होती, चेन ऑफ नरेशन के साथ। तो यहाँ पर सिर्फ हदीस के चेन ऑफ नरेशन नहीं चेक होता है, आप देखोगे कि चेन ऑफ नरेशन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ हदीसों का नहीं बल्कि साथ साथ में रावियों के भी चेन ऑफ नरेशन चेक होते हैं कि ये रावी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है कि नहीं, मतलब वहां तक भी तहकीक जाती है, हमारे दीन में वहां तक इन्फॉर्मेशन है। तो अगर झूठ का इल्जाम है, अगर मालूम हुआ था, साबित हुआ था कि ये शख्स अपने आम बोलचाल में झूठ बोलता था, तो फिर क्या मामला है? ये एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से उसकी सारी की सारी हदीसें मतरूक तर्क कर दी जाएगी, साबित हो गया ना झूठ बोलने वाला। अलमुत्तहिम बिलकज़िब, हाँ इत्तेहाम बिलकज़िब था उसके ऊपर, किस था, तो फिर उसमें उसकी हदीसें मतरूक। फर्स्ट पॉइंट क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में झूठ कहा है, सबसे सीरियस बात। नंबर दो क्या है कि अगर आम बोलचाल में झूठ कहा है तो ये एक सेकेंड बात। तीसरा फिस्क, अगर गुनाह कबीरा का मुर्तकिब था, पब्लिकली करता था, बेनमाजी था, शराबी था, जानी था, ऐसी कोई गुनाह कबीरा का मुर्तकिब, एक गलत काम करने वाला, चीटिंग करने वाला, फ्रॉड करने वाला, धोखादेही करने वाला ऐसा शख्स था, जाहिर सी बात है उसकी अदालत पे जरा ही है ना। उसी तरह सगीरा गुनाह भी अगर कंटिन्यू किए जाए, सगीरा गुनाह भी अगर कंटिन्यू होते हैं तो कबीरा बन जाते हैं। हाँ, तो कबीरा गुनाह कर रहा है या तो सगीरा जिसके अंदर कंटिन्यू है। तो फर्स्ट क्या है? हदीसे नबी में झूठ कहा है। सेकंड, जो इल्जाम है झूठ का आम बोलचाल में। और फासिक है वो, फासिक इजी है, याद करिए। फर्स्ट हदीसे नबी में झूठ, रिपीट करिए मेरे साथ, हदीसे नबी में झूठ क्यों? सेकंड, आम बोलचाल में उसके ऊपर इल्जाम, इत्तेहाम बिलकज़िब, मुत्तहिम बिलकज़िब। थर्ड फासिक, फोर्थ जहालत, जहालत मतलब, जहालत का मतलब ये नहीं कि उसके पास नॉलेज नहीं थी, जहालत यानी ये रावी कौन है हमें मालूम नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे नरेटर ने कहा कि वो कबीले के एक शख्स ने बयान किया, कौन था वो शख्स? फला जगह के एक शख्स ने बयान किया, कौन थे वो? कभी कभार नाम नहीं आता है, इसे कहते हैं जहालत ऐन। और कभी कभार ऐसा होता है कि नाम आया है, अब्दुल्ला ने बयान किया, कौन से अब्दुल्ला थे? कौन से अब्दुल्ला? इतने सारे अब्दुल्ला, कौन से अब्दुल्ला थे? तो कभी कभार जहालत हाल होता है, भाई नरेटर के बारे में कुछ मालूम ही नहीं। कोई ऐसा नरेटर है जिसका नाम बता दिया रावी ने, लेकिन वो नरेटर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। 640,000 के करीब रावियों की इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो रावी की इंफॉर्मेशन कुछ मिली नहीं, यानी जहालत। चौथा पॉइंट, हाँ। और नंबर पांच, अगर रावी कोई बिदत करने वाला है जो अपने बिदत के सपोर्ट में हदीस ला रहा है, एक अहले बिदत है जो बिदत के सपोर्ट में हदीस ला रहा है, वो हदीस नहीं ली जाएगी। हाँ, यह है पांच, क्योंकि वहां पे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अगर कोई बिदत करने वाला है बिदत के सपोर्ट में हदीस ला रहा है तो नहीं ली है। हाँ, ये पांच चीजें आप लोग उम्मीद करता हूं ये समझ रहे हैं, मैं थोड़ी देर में रिवाइज कर रहा हूं। एक मिनट रुको, चलो इमेजिन करो ये जो क्राउडेड स्टेशन है ना, बॉम्बे का स्टेशन है, आजकल नहीं दिखता ऐसा क्योंकि ट्रेनें अभी तक रुकी हुई, लेकिन सोचो कि आप यहाँ पे मौजूद हो। हाँ, सोचो कि आप यहाँ पर मौजूद हो। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, चलिए सवाल आपको पोल में आएगा। हाँ, पोल आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आपको वोट करना है। बहुत अहम सवाल है, बहुत अहम है, सिंपल है लेकिन बहुत अहम। आप बोलोगे ये कैसा सवाल है, लेकिन सवाल में बहुत बड़ी विजडम है इंशाल्लाह। बताओ, स्टेशन पे अगर आपको कोई अननोन शख्स मिले और कहे कि अपनी बैग मुझे दे दो, मैं संभालूंगा, तो आप बैग दोगे नहीं दोगे? आप ये स्टेशन पे हो, कहाँ हो? स्टेशन पे हो, कोई शख्स कह रहा है आपकी बैग मुझे दो, मैं संभालूंगा, बैग दोगे उसे नहीं दोगे? हाँ, थ्री, आसान सवाल है भाई, इतना टाइम मत लगाइए, 3 सेकंड मिलने वाले हैं आपको। 3, 2, 1। एंड पोलिंग। अच्छा, रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। हमारे 98% 97-98% स्टूडेंट्स ने कहा है कि हम बैग नहीं देंगे उसे। अच्छा, 2-3 टका ने कहा है कि हाँ बैग दे देंगे। क्या आपको पता है आप जो पोल कर रहे हो ना, मुझे तो मालूम पड़ता है कौन क्या पोल कर रहा है। ओके, ये अच्छे अलग बात है कि आपको बैग स्टेशन पे किसी ऐसे शख्स को हम लोग वो आपके डिटेल नहीं देने वाले, लेकिन फैक्ट ये है ना
कि आमतौर पे आदमी बैग जो है लैपटॉप हो आपका हो सकता है, मोबाइल है, कुछ पैसे हो सकता है, हाँ आप बैग नॉर्मली नहीं देंगे, और यही आंसर मिला है ना। चलिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या होता है ना, बाज लोग यहाँ पर एतराज उठाते हैं, बोलते ये जो अननोन शख्स है, अरे रिलायबल भी तो हो सकता है ना, हाँ रिलायबल हो सकता है, लेकिन रिलायबल नहीं भी तो हो सकता है। अननोन शख्स को आप बैग नहीं दोगे, अननोन शख्स आपकी बैग मांगे तो आप बैग नहीं दोगे, और अननोन शख्स से हदीस ले लोगे। बाज लोगों को एक बात नहीं समझ में आती है ना कि हदीस, अरे नहीं सही है तो क्या हुआ, अपनी बैग पहले जाके दो, अननोन शख्स को दो बैग, दो लैपटॉप वाली बैग दे दो पहले आप, कोई कीमती चीज भर के बैग दे दो, फिर बाद में हम टॉपिक आगे बात करेंगे। तो बाज लोग इन्हें हदीस के अंदर नहीं समझते, अरे हदीस ज़ईफ़ है तो क्या हुआ, हदीस तो है ना, अरे हदीस ज़ईफ़ है तो उसका कुछ साइंस है, उसकी कोई रीजन है, उसकी कोई वजह है कि नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सही जवाब इसमें है नहीं देंगे, है ना, ये लॉजिकल बात। अब हम लोग पांच और चीजें देखेंगे, फिर 10 का मैं टेस्ट लेने वाला हूँ आप में से कौन देगा, और जो सही जवाब देगा ना उसको क्या किया जाए, वो चैट में अपना यहाँ भेजे, हम लोग इंशाल्लाह आप जो नंबर भेजेंगे तो हमारे वॉलंटियर, हमारे जो कोऑर्डिनेटर है आपके नंबर पे फ्लावर्स भेजने वाले हैं, वर्चुअल फ्लावर्स। ओके, तो कौन जो 10 पॉइंट बताएंगे उनके लिए बोल रहा हूँ। देखे बगैर हमने आदिल कैसे चेक करना वो देख लिया, जाबित कैसे चेक करें वो देख लिया, जाबित हर रावी जाबित होना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट चीज सूल हिफ्ज, उसके मेमोरी खराब नहीं होती, मेमोरी खराब नहीं होनी चाहिए। जैसे उसकी कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं ना, ये 10 टीचर 10 स्टूडेंट है, ये एक का ये मामला है, 5 थे, एक के बारे में पता चला, तो उसकी मेमोरी खराब नहीं होनी चाहिए, सूल हिप्स मेमोरी खराब नहीं होनी चाहिए। ओके, मेमोरी खराब है उसकी रेटिंग खराब है, थोड़ी सी हल्की मेमोरी डाउन हो तो हसन हो जाएगी, और ज्यादा तो ज़ईफ। हाँ, सेकेंड फुशुल गलत, बहुत ज्यादा गलतियां करना, मिस्टेक कर रहा है, हाँ बहुत ज्यादा मिस्टेक कर रहा है, तो फिर क्या हुआ, उसकी रेटिंग खराब होती है। तो क्या चीज, नंबर वन मेमोरी खराब है, मानी हुई मेमोरी खराब थी। कभी कभार क्या होता है, कोई नरेटर ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी के एक पीरियड में अच्छी मेमोरी थी, बाद में आगे मेमोरी खराब हुई, तो होता यह है कि वो पीरियड में जो उनके स्टूडेंट है उनकी हदीस सही है, और ये स्टूडेंट है जो मेमोरी खराब होने के बाद स्टूडेंट बने, इनकी हदीस ज़ईफ़ है, ऐसा भी होता है। कोई एक रावी है जिनके पास बुक थी, हिफाजत से थी, तब तक बयान करे तो रावी नरेटर रिलायबल थी, बाद में आगे उनकी बुक खराब हो गई, चोरी हो गई, जल गई, उसके बाद में जो स्टूडेंट्स हैं, उसके बाद में जो नरेट कर रहे हैं उनसे, उनकी हदीस ज़ईफ़ है, ऐसा भी होता है। कितना ब्यूटीफुल साइंस है। तो नंबर वन सूल हिफ्ज़, नंबर दो फुशुल गलत, बहुत गलतियां कर रहा है, मिस्टेक कर रहा है, मेजर गलतियां मिस्टेक कर रहा है, तो फिर क्या है मामला, वो चीज नहीं चलेगी। नंबर तीन फुशुल गफलत, बहुत गफलत में है, मतलब जैसे मैं मिसाल दे रहा हूं, अभी मैं बयान कर रहा हूं, अभी मान लो बैठे बैठे कोई बोल रहा है, फिर कुछ सोच रहा है, फिर बीवी आज खाना क्या बनाए होगी, आज संडे भी है, संडे शाम को कई घरों में अच्छा खाना बनता है, लगता है आज बिरयानी बनी होगी, तो उसके साथ में कस्टमर होगा कि नहीं होगा, स्वीट डिश कुछ होगी नहीं होगी, बीच में कुछ मिस हो गया, यहाँ पे क्लास में पढ़ा रहे थे 10 पॉइंट की जगह 5 बीच के गायब हो गए, मेजर हिस्सा इंपॉर्टेंट हिस्सा गायब हो गया, गफलत गफलत कहते हैं, मतलब नेग्लिजेंस हो गई। तो अगर नरेटर का मालूम पड़ा कि ये मेजर कुछ अहम चीज बीच में भूल जाती, कुछ बीच में कोई अहम चीज छूट जाती, तो फिर क्या हुआ, उनकी रेटिंग खराब हो जाती है। फुशुल गफलत फर्स्ट पॉइंट, अगर मेमोरी खराब हो नंबर वन, नंबर दो बहुत गलतियां करते हैं, नंबर तीन बहुत गफलत में रहते हैं, गफलत में आगे का बयान के पीछे का बयान के बीच का इंपॉर्टेंट सा गायब, तो फिर क्या हुआ, उनकी रेटिंग खराब हो जाती, रेटिंग। ओके, उसके बाद नंबर चार कसरतुल वहम, बहुत वहम होता है, ऐसा था नहीं तो ऐसा था, ऐसा था नहीं तो ऐसा था, वैसा था या तो वैसा था, एक आध बार हो चलता है, कभी कभार हो चलता है, लेकिन बार बार कंटिन्यूस ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा। अब आपको मैं मिसाल देता हूं, बाज लोग बोलते हैं ना अरे हदीस ज़ईफ़ है तो क्या हुआ, मैं आपको मिसाल देता हूं, सोचो सोचो कि अगर ऐसा आपके साथ हो जाए, आप स्क्रीन पे लिखा कि आप अगर मान लो कोई रिपेयर कर रहे हो इलेक्ट्रिक का, ये सोचे कि भाई चलो ये कनेक्शन है मैं कनेक्शन कर लेता हूं, अब आप किसी से अपने साथी से कहते हो देखो भाई ये ऑफ है कि नहीं ऑफ है, जरा चेक करो पावर ऑफ है कि नहीं ऑफ है, स्विच ऑफ है कि नहीं, वो कहता है हाँ ऑफ है करो,
आप करने बोले नहीं नहीं ऑन है, नहीं ऑफ ऑफ है, ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ कर लो दौड़ो ऑफ ऑफ बताओ। चलो आप लोगों का मैं कोड लेके देख चेक करना चाहता हूं कि आप लोग क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन, अगर ऐसा आपके साथ हो जाए तो आप क्या करेंगे। चलिए की बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे, जिसमें इतना ज्यादा प्रॉब्लम है उनकी बात मानेंगे नहीं मानेंगे। लाइव वायर की बात करिए, इलेक्ट्रिक वायर देख रहे ना, फोटो देखे थे कि नहीं देखे थे, लाइव इलेक्ट्रिक वायर की बात हुई, हाँ मानेंगे नहीं मानेंगे। थ्री, क्योंकि पॉइंट है यहाँ पे इसलिए आप वोट करिए, थ्री टू वन। इतना भी टफ क्वेश्चन नहीं है कि आप लोग इतना सोच रहे हैं कि माने नहीं माने। ओके एंड पोलिंग, 92% से लेकर 92% तक दोनों ग्रुप्स में 92% है कहेंगे कि नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे, लेकिन ताज्जुब इस बात पर है कि 8-9% मानेंगे। तो मैं जरा जो लोग मानेंगे उनमें से कोई किसी से बात करना चाहता हूँ कि आप क्यों मानेंगे, जरा हाथ उठाइए जो मानेंगे उनमें से कोई चाहिए। यस स्टॉप चेयर रिजल्ट, वापस वो वायर फोटो सामने, लाइव वायर आपके सामने ले आता हूँ। मैंने मौका दिया है सुनहरा सादिक मीर, यस, और यहाँ पे जुबिया, यस, क्यों मानेंगे आप? सर मैं नहीं मानूंगी, मैंने एक क्वेश्चन मिसअंडरस्टैंड किया था। नो प्रॉब्लम, होता है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो एक पर्सन ने कहा कि नहीं मानेंगे, वो क्वेश्चन को मिसअंडरस्टैंड किया था एक्चुअली। यस रूही आर्ट, नुसरत नास, कौन मानेगा भाई? तो आई थिंक जो लोगों ने माने भी वो बाय मिस्टेक ही माने। चलिए पॉइंट क्या है कि ऐसे सिचुएशन में रियली हम लोग तो ये समझेंगे कि भाई पहले अगर मैं खुद ही चेक कर लेता हूं, मालूम पड़ा उससे मिस्टेक हुई तो मैं तो क्या है ना, वहां पे छोटे से रीजन की वजह से, क्योंकि मैं मान लिया उसकी बात और वो लाइव वायर ऑन रहा तो गया मैं। तो यहाँ आप बताओ, जो लोग कहते हैं ना हदीस ज़ईफ़ है तो क्या हुआ, हदीस ज़ईफ़ है तो क्या हुआ, हम उनसे कहते हैं कि हम उनसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि भाई कोई वजह है, कोई रीजन है, ऐसी थोड़ी हदीस ज़ईफ़ हो, ऐसे थोड़ी होती ज़ईफ़। उसी तरह मुखालिफत सिकात, अपने से मोतबर रावियों से अगर मुखालिफत हो रही है, अगर कोई रिलायबल शख्स अगर दूसरे अपने से मोतबर रावी या ज्यादा रावियों से उसकी बात कॉन्ट्रडिक्ट करे, मुखालिफत हो, तो हदीस शाज़ हो। लेकिन अनरिलायबल की मोतबर रावियों से ज्यादा रावियों से बात कॉन्ट्रडिक्ट करे, उस हदीस को मुनकर कहते हैं। मुनकर आपके एक्स्ट्रा समझो, कोई चीज एक्स्ट्रा भी गिनो ना, इंशाल्लाह। चलिए हम लोग आगे बढ़ते, 10 points कौन बता सकता है? 10 points कौन बता सकता है जी? मैं SH खान, एक पर्सन मुझे यहां से चाहिए, एक पर्सन वहां से, ऐसे पर्सन चाहिए जिनको अभी तक मौका नहीं मिला। तो यस SH खान आप बता रहे हैं या शेख सुमैया, दो लोगों को मैंने मौका दिया है, और वसीम अकरम को हमने मौका दिया है, अपनी समीरा इकरा को भी मौका दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, यस ब्रदर वसीम शुरू कर दिए, बोलिए। नंबर वन है जो हदीस नबवी में झूठ झूठ बोलता है, नंबर दो है आम बोलचाल में झूठ बोलता है, नंबर तीन है फासिक है, नंबर चार है जो नैटर है वो अननोन है, और नंबर पांच है जो बिदात, मतलब बिदात में उसके सपोर्ट में हदीस बयान करता है। वेरी गुड माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी हैप्पी। और इसमें बैड मेमोरी, मतलब मेमोरी अच्छी नहीं है जी, उसके बाद मेजर मिस्टेक करता है, बहुत बड़ा बड़ा मिस्टेक करता है, आज जो मेजर निगलेंस है, मतलब गफलत में गफलत करता है, आज जो एक्सेसिव डाउट है, बहुत डाउट है, आज जो रिलायबल नहीं है, पांचो नहीं अपने से रिलायबल या ज्यादा रावियों से उनकी बात कॉन्ट्रडिक्ट कर। ब्रदर वसीम अकरम आपका नंबर चैट में सेंड करिए, हम लोग आपके नंबर पे वर्चुअल दावत भेजेंगे इंशाल्लाह। ओके यहाँ पे कौन जवाब दे रहा है उर्दू ग्रुप में? नहीं एक एक ही पसंद, मैं चाहूंगा एक ही पसंद को हम लोग मौका दे रहे हैं। हाँ एक एक में से, यस मैंने दो तीन लोगों को अनम्यूट ऑप्शन दिया था,
शेख सुमैया, शादान रिजवी एंड नुसरत नाज, तीनों में से जिसकी भी आवाज पहले आ गई आपको अनम्यूट करना है। अच्छा ऐसा है। वालेकुम सलाम। यस शादान रिजवी बताइए। हदीस नबी में झूठ, फर्स्ट पॉइंट। यस सेकंड है इल्जाम उनके ऊपर, ओके। थर्ड आम जिंदगी में, ओके। और फिर कबीरा करने वाले हो यानी फासिक हो, ओके। चौथा नंबर फोर हो के रावी जो है वो अननोन हो यानी उनको कोई अननोन रावी, ओके। वेरी गुड माश। और पांच जो था वो मैं भी रावी का जो हिज जो है याददाश्त उनकी सही थी और खराब उनका हाफिजा जो है मेमोरी खराब हो सूल हिज हो नंबर दो मेजर मिस्टेक्स करते हैं हाँ नंबर तीन गफलत में रहते हैं ओके नंबर चार शक करने वाले डाउट में पड़ जाते हैं डाउट में ओके नंबर पांच बहुत ज्यादा नंबर पांच हाँ अपने से मोहतबर रावियों से ज्यादा रावियों की ओके चलिए हम आगे बढ़ते हैं वेरी गुड माशाल्लाह आपको भी आप नंबर अपना भेजें हमारे लेडीज वॉलंटियर को इंशाल्लाह कोऑर्डिनेटर आपको वर्चुअल फ्लावर्स भेजेंगे चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ हदीस में आप सुनिए बहुत सिंपल है बहुत अच्छा है हदीस के मैंने बताया ना बहुत सारे नरेटर्स होते हैं तो अब यहाँ पे कैसे समझ में आए कि ये हदीस कौन सी टाइप है तो कुछ टर्म्स बनाए हैं स्कॉलर्स ने एक वर्ड में समझने के लिए एक है मुतवातिर मुतवातिर एक्चुअली जैसे तवातर अल-मतर अरबिक में कहते हैं जब बारिश बहुत अच्छी होती है ना उसको तवातर अल-मतर बोलते हैं तो मुतवातिर यानी बहुत सारे नरेटर्स हर तबके में बहुत सारे कितने नंबर नंबर वन वो इतने हो कि उनके लिए मिलकर इत्तेफाक करके कोई झूठ करना पॉसिबल ना हो अलग अलग इलाके से हो और कोई हिस्सी कोई सेंस वाली कोई चीज हो सुनी देखी वो सब चीज से रिलेटेड कोई बात हो तो ये मोर देन थ्री हो कम से कम मोर देन थ्री 10-40 डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन लेकिन झूठ पे इत्तेफाक करना मुमकिन ना हो अलग अलग इलाके के मुतवातिर दर्जा उसको बोलेंगे हदीस अहाद किसे कहते हैं इससे पहले मैं बता दूं मुतवातिर में एक होता है मुतवातिर लफ्जी और मुतवातिर मानवी लफ्जी यानी सेम वर्ड्स यानी कि सेम सिमिलर किस्म के वर्ड्स बहुत सारे लोग नरेट करते हैं मानवी यानी कि हदीस तो अलग अलग है लेकिन उसके अंदर जो पॉइंट है जैसे मिसाल के तौर पे अजाब कब्र के तालुक से हदीस है कई अल्फाजों के साथ कई सारी बातें हैं कई मौकों पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया लेकिन जो बात है उसमें से निकलती है अजाब कब्र का एग्जिस्टेंस उसकी वो हदीस मुतवातिर मानवी है वर्डिंग्स के अतबार से नहीं मुतवातिर लफ्जी अलग है मानवी अलग है आहाद क्या है आहाद के अंदर एक है कैटेगरी मशहूर देखिए हमारे उर्दू में मशहूर जिसे कहते हैं बहुत मशहूर है यानी क्या फेमस लेकिन मुहद्दिसीन के नजदीक ये नहीं मशहूर मशहूर का मतलब तीन रावी कम से कम होने चाहिए हर तबके पे कम से कम तीन अगर कहीं पे 40 है लेकिन बाद में के तीन हो गए तो वो मशहूर में काउंट होंगे कई बार क्या होता है गलत बात भी बहुत मशहूर हो जाती है कि वो मशहूर नहीं उर्दू वाले मशहूर से मिक्स मत करिए ये क्या है मुहद्दिसीन के नजदीक मशहूर का मतलब कम से कम तीन नरेटर किसी भी लेवल पे मिलेगा अजीज यानी दो और गरीब यानी एक अच्छा अभी सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि अगर मान लो एक नरेटर है तो बात रिलायबल है कि नहीं है देखिए अल्लाह ताला ने कितने नबियों को भेजा एक अगर एक की बात एक्सेप्टेड नहीं है तो अल्लाह ताला बहुत सारे नबियों को भेजते हैं एक की बात भी एक्सेप्टेड है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई जगहों पर कई मौकों पर सिंगल सहाबी को भेजा टीच करने के लिए मुसअब बिन उमैर को भेजा मदीना अली रदियल्लाहु को भेजा यमन तो अगर एक की बात एक्सेप्टेड नहीं होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक को भेजते यानी कि एक्सेप्टेड है सहाबा एक की बात मानते थे आपको बताया कि जो सहाबा मस्जिद क़िबलतैन जहां है वहां नमाज पढ़ रहे थे और एक सहाबी ने आकर गवाही दी कि मैं गवाही देता हूं मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ा और क़िबला तब्दील हो गया है जेरूसलम से यानी मस्जिद अक्सा से बैतुल्लाह मस्जिद हरम हो गया है नमाज के हालत में वो लोगों ने उस गवाही को कबूल करके अपना क़िबला चेंज किया ना एक की बात मानते थे सहाबा इकराम अल्लाह ताला ने क्या कहा इन जाकुम फासिकुम बिनबईन अगर फासिक खबर लेकर आए तो चेक करो ये नहीं कहा एक आदमी लेकर आए तो नहीं मानना एक मोतबर है तो मानी जाएगी मतलब आहाद हदीस के अंदर बाज लोग ये कहते हैं ना एक की बातें नहीं मानेंगे ये उनका रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग आहाद हदीस में फर्स्ट ऑफ ऑल आहाद का मतलब एक है ऐसा नहीं है
एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, जैसे कि हम देख चुके हैं। हाँ, तो ये एक भी हो अगर गरीब, एक भी हो तो भी बात अगर रिलायबल है तो बात ठीक है। अच्छा, कभी कभार क्या है, तीन है लेकिन तीनों अनरिलायबल है तो नहीं चलेगा। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हसन के बारे में बहुत अच्छी बात, हसन में दो टाइप होते हैं, एक है हसन ली जाती ही और एक हसन है हसन ली गैरी। हसन ली जाती यानी खुद की वजह से हसन, हसन ली गैरी का मतलब क्या है, गैर की वजह से हसन दर्जे तक पहुंचे। ये क्या है मैं आपको बता दूं, कभी कभार क्या होता है ना, कोई हदीस का जो नरेटर है रिलायबल नहीं है, रिलायबल नहीं है, लेकिन जौफ जो उसका कम थोड़ा सा, बहुत ज्यादा झूठा शख्स नहीं है, बहुत वीक मेमोरी नहीं है, थोड़ा सा डाउटफुल, रिलायबल के दर्जे तक नहीं पहुंच रहा है, डाउटफुल दर्जे में, तो उसकी बात खुद प्रूफ है नहीं है, हदीस क्या है ज़ईफ है। ओके, लेकिन एक और ऐसा नरेटर है, वैसा है उसका हाल भी वैसा ही था, मतलब ये चेन ऑफ नरेशन में दो जगह पर दो ऐसे नरेटर्स हैं, दोनों सेम हदीस बयान कर रहे हैं लेकिन दोनों खुद रिलायबल नहीं। अब यहाँ पे स्कॉलर्स वो रूल लगाते हैं जो सूरह बकरा के अंदर औरतों की गवाही के तालुक से दिया गया है कि अगर माली फाइनेंशियल मामलों में दो मर्द ना मिले तो एक मर्द और दो औरतें मिले, तो वो रूल लगा करके कि भाई एक्सपर्टीज मर्दों की होती है उसमें, तो उसके अंदर दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर नॉर्मल तौर पर गिना गया है। तो वो रूल लेकर मुहद्दिसीन कहते हैं कि यहाँ पे कम ज़ौफ है और कम ज़ौफ वाले दो लोग हैं तो मिला करके हसन ली गैरी के दर्जे तक वो हदीस पहुंच जाती है ना। इंटरेस्टिंग, मतलब अगर कोई ज़ईफ हदीस एक चेन से ज़ईफ है लेकिन उसकी सारी चेन मिलाकर उसका डाउट हट जाए तो वेरी गुड, एक्सेप्टेबल है। अगर मान लो कि सारे चेन मिलाकर भी उसका डाउट नहीं हटता है तो नहीं एक्सेप्टेबल है इंशाल्लाह। उसी तरह सही के अंदर भी दो टाइप है, सही ली जाती ही, सही ली गैरी, सही खुद की वजह से, सही किसी और की सपोर्ट की वजह से। इसके अंदर क्या होता है, हसन प्लस हसन भी मिलकर सही ली गैरी के दर्जे तक पहुंचते। लेकिन यहाँ पे आपके साथ एक क्वेश्चन आने वाला है कि अगर बहुत सारे झूठे लोग मिलकर सेम बात बोल रहे हैं तो वो बात को मानेंगे नहीं मानेंगे। चलिए लेट्स सी कितने लोग सही जवाब देते हैं। बहुत सारे झूठे लोग मिलकर सेम बात बोले तो आप ये बात मानेंगे नहीं मानेंगे, बहुत सारे हैं मोर देन वन, लेकिन सबके सब झूठे लोग, सबके सब झूठ बोलने वाले लोग हैं, मानेंगे सेकंड ऑप्शन नहीं मानेंगे, थर्ड ऑप्शन आई डोंट नो। 3, 2, 1, 0, -1 एंड पोलिंग। लास्ट लास्ट तक कुछ लोग अपना माइंड मेकअप करते रहते हैं, मानेंगे नहीं मानेंगे सोचते हैं, है ना। ओके, 85% से 89% कह रहे हैं नहीं मानेंगे, हाँ नहीं मानेंगे, और 11% से 10% लोग मान जाएंगे। हाँ, तो मैं आपको इसका आंसर बताना चाहता हूं, और इसका आंसर क्या है मालूम है आपको, मौजू प्लस मौजू इज इक्वल टू मौजू, मतलब एक झूठे रावी की हदीस प्लस दूसरे झूठे रावी की हदीस इज इक्वल टू मौजू, झूठी है। 0 + 0 = 0, 0 पे कितने भी 0 ऐड कर दो वो 0 से आगे नहीं बढ़ने वाला है क्योंकि वो खुद ही 0 है, वो कुछ वैल्यू नहीं दे सकता इसलिए 0 है ना। ओके, इंशाल्लाह, यानी सही जवाब है नहीं मानेंगे। हाँ, ये है इसका साइंस। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। अब एक मिसकंसेप्शन क्लियर कर देता हूं, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम जो 6 बुक्स ऑफ हदीस है ना फेमस, एक्सक्यूज मी, 6 बुक्स ऑफ हदीस में इमाम बुखारी और मुस्लिम ने कायदा रखा कि हम लोग सिर्फ सही हदीस से मानते हैं। इमाम अबू दाऊद, इमाम नसाई, इमाम अबू दाऊद, इमाम तिर्मिजी और इमाम इब्न माजा ने ऐसा स्ट्रिक्ट रूल नहीं रखा कि हम लोग सिर्फ सही हदीस जमा करेंगे। उन्होंने कहा कि हम ये टॉपिक पे क्या है हदीस जमा कर रहे हैं टॉपिक वाइज, और एक कायदा है मुहद्दिसीन में, मन असनदा फकत बरिया, जिसने सनद बयान की वो बरी है, मतलब वो बता रहे ये हदीस मुझे फलां नरेटर से मिली है, फलां नरेटर से मिली है। तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ सही हदीसें नहीं जमा की, जैसे अबू दाऊद में तकरीबन 1/3 हदीसों के नीचे इमाम अबू दाऊद ने खुद ही लिखा है ये हदीस ज़ईफ, फिर जमा क्यों किया, बहुत क्योंकि अवाम के पढ़ने के लिए किताब नहीं है, ये किसके लिए है, एक्सपर्ट्स के लिए। अब आप जानते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर ये चेन्स ऑफ नरेशन को मिलाकर कोई हदीस ज़ईफ प्लस ज़ईफ मिलाकर हो सकता है हसन ली गैरी तक जाएगी, उनका काम क्या था, जमा करना टॉपिक वाइज सनद के साथ प्रिजर्वेशन, उन्होंने कॉशन के साथ हिफाजत के साथ जमा किया, ये उनका बड़ा काम था, है ना, ये उनका बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था।
तो यहाँ पे जो एक टर्म है हमारे यहाँ फेमस है लोगों में, सिहासिता, सिहासिता, ये टर्म रॉन्ग है एक्चुअली, सिहासिता रॉन्ग है टर्म, कुतुबुस्सिता सही, कुतुबुस्सिता सिक्स बुक्स, सिहासिता साउंड्स के इसमें सिर्फ सही हदीस है, हालांकि उसके अंदर चार में सही भी है ज़ईफ भी है, और जैसे इब्न माजा वगैरह में बास मौजू भी है। तो ये बात को आप याद रखेंगे इंशाल्लाह, ये टर्म आज की हदीस क्लास से आप ये वर्ड सिहासिता रॉन्ग है, कुतुबुस्सिता ये सही है, ओके इंशाल्लाह। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये है कि अगर कोई शख्स किसी हदीस को, नहीं हम लोग ये स्किप कर रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़ के नेक्स्ट ले रहे हैं, नेक्स्ट ओके। एक एक पोल आगे आने वाला है। पहले मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि हम लोग ज़ईफ़ और मौज़ू हदीस पर क्यों फॉलो ना करें, मैं कुरान और हदीस से कुछ प्रूफ रखना चाहता हूँ। सैफ़ोस तो हदीस में पढ़ चुका हूं, मन कदबा अलैया मुतअम्मिदन, जो जान बुझ के झूठी बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मनसूख करे वो अपने लिए जहन्नम की आग में जगह बना रहे, फलिया तबावा ना कदम मिलन, कोई छोटी बात नहीं बहुत बड़ी बात है, फर्स्ट रीजन। तो इसी वजह से मौजू हदीस तो फैब्रिकेटेड है, झूठ है, वो तो नहीं एक्सेप्ट। लेकिन ज़ईफ़ हदीस का क्या, ज़ईफ़ हदीस का क्या? तो देखिए क्या करें, अल्लाह ने बताया, अल्लाह ताला ने बताया वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, उस चीज के पीछे मत चलो जिस चीज का तुम्हें इल्म नहीं, जो कंफर्म नहीं है ना मत चलो उसके पीछे, कंफर्म के पीछे चलना है, साबित शुदा के पीछे चलना है, जो कंफर्म नहीं उसके पीछे हमें नहीं चलना है। उसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया इन ज़न्ना ला युग़नी मिनल हक़्क़ी शैया, शक हक के सामने नहीं टिक सकता, शक जो गुमान है, गुमान है, शक है, ज़न है, अज़म्पशन है, हक के मुकाबले में उसका कुछ काम नहीं है, ओके। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इय्याकुम वज़्ज़न, गुमानों से बचो, फ़इन्न ज़न्न अक्ज़बुल हदीस, क्योंकि गुमान वाली बात सबसे झूठी बात, जो गुमान वाली बात है ना सबसे झूठी बात गुमान वाली बात। तो गुमान का प्रूफ होता है क्या? नहीं, इस्लाम में कायदा है हमारे यहाँ, हमारे इस्लाम में कायदा है, अल्लाह ताला ने जूस एंड क्रिश्चियंस के बारे में कहा है मालूम भी मिले जन, उनके पास इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो गुमानों के पीछे चलते हैं। जो हमारी हदीस की किताब है, जो हमारे एक नरेटर जो होता है ना उसके बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन है, वहां की मेन बुक्स जो है ना उसके अंदर भी चेन ऑफ नरेशन नहीं, हिफाजत में मेन बुक की बात करें, कुरान तो पूरा के पूरा मुतवातिर चेन ऑफ नरेशन से मिलता है, मुतवातिर दर्जे की चेन ऑफ नरेशन, हदीसों के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन है, वहां पे मेन किताबें जो है उसकी चेन ऑफ नरेशन मौजूद नहीं, उसके प्रिजर्वेशन का कोई प्रूफ मौजूद नहीं। तो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा क्या कहा, उनके पास कंफर्म नॉलेज नहीं है, वो गुमानों के पीछे, अजम्पशंस के पीछे चलते हैं। हम क्या चीज के पीछे चलते हैं? प्रूफ के पीछे चलते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दा मा युरीबुक इला मा ला युरीबुक, उस चीज को छोड़ दो जिसमें शक है उस चीज के लिए जिसमें शक नहीं है। शक वाली चीज को क्या करो? छोड़ो। शक वाली चीज को फॉलो मत करो। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, स्ट्रॉन्ग बात क्या है आपको मालूम है? ज़ईफ हदीस भी क्रॉस है। जो हदीस ज़ईफ है ना क्रॉस है। आपकी बैग आप अननोन पर्सन को नहीं दोगे, आप कोई डाउटफुल पर्सन के इलेक्ट्रिक के ताल्लुक से वो खबर नहीं लोगे, ये बात हमें समझ में आती है। फिर हम ये बात क्यों नहीं समझ सकते हैं कि कोई रिलायबल नरेटर की बात अगर रिलायबल के दर्जे तक नहीं पहुंच रही, उसमें शक दूर नहीं हो रहा, सब चेन ऑफ नरेशन बिला गए, फिर भी वो बात डाउटफुल है, कैसे मानेंगे? हमारा दीन है ये। अल्लाह ताला ने कहा दा छोड़ दो, डाउटफुल चीज को छोड़ दो, वला तक्फु मत चलो उसके पीछे, अल्लाह ने बताया। इसी वजह से आपको पता है चांद जब हम देखते हैं ना, देख रहे हैं लेकिन चांद नहीं दिख रहा है। देखिए सब लोगों ने देखे चांद नहीं दिखा, लेकिन लग रहा है जरूर है, बादलों के पीछे चांद है। अगला महीना शुरू हो जाएगा, रमजान के रोजे शुरू हो जाएंगे, ईद आ जाएगी, नहीं आएगी जब तक देख ना ले या गवाही ना मिल जाए, किसी ने भी देखा नहीं, अजम्पशंस के बेसिस पे चांद नहीं बनाया था, है ना? क्यों? क्योंकि हमारे दीन में हम गुमान के पीछे नहीं चलते, ये रूल है हमारे दीन का, कायदा है हमारे रिलीजन का, गुमान वाली बात झूठी बात, हम नहीं मानते गुमान अजम्पशंस वाली बात, जब तक कंफर्म ना हो जाए, जब तक उसका डाउट हट ना जाए, जब तक वो कंफर्म साबित ना हो जाए रिलीजन के मामले। अच्छा अभी आप ये सवाल का जवाब दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर कोई शख्स सिर्फ झूठी बातें पहुंचाता है, हा? खुद नहीं करता, खुद नहीं बनाता, पहुंचाता है, नहीं मैं आपके सामने लास्ट पोल है, लास्ट 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 एंड पोलिंग, एंड पोलिंग लास्ट पोल है,
ओके अगर कोई शख्स झूठी बातें सिर्फ लोगों तक पहुंचाए तो क्या हम उसे झूठा कहेंगे? नंबर वन, गलत है लेकिन झूठा नहीं कहेंगे। सेकंड ऑप्शन, हाँ झूठा ही है वो। नंबर तीन, उसकी गलती है, गलती नहीं है, वो तो मासूम है, मतलब गलत नहीं है। थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, आई डोंट नो। फर्स्ट ऑप्शन, गलत है लेकिन झूठा नहीं कहेंगे। सेकंड ऑप्शन, नहीं झूठा ही है वो, हाँ देखते हैं क्या जवाब दे रहे हैं लोग। थर्ड ऑप्शन, उसकी गलती नहीं है, वो मासूम है। फोर्थ है, आई डोंट नो। चलिए, 3, 2, 1 एंड पोलिंग। रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर। 71% से 68% लोगों ने कहा कि हाँ नहीं झूठा है वो शख्स, और 24% थोड़ी हमदर्दी रख रहे हैं, 24-28% बोले नहीं नहीं झूठा, गलत तो है लेकिन झूठा नहीं है वो। चलिए देखते हैं क्या सही जवाब है। हाँ सही जवाब क्या है, मैं आपके सामने एक हदीस लाना चाहता हूँ, मेरी बात नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कफा बिल मरी कदीबन, एक शख्स के झूठे होने के लिए इतना ही काफी है। अय युहदिता बिकुल्ली मा समिया, जो भी सुनता है बयान कर देता है, जो भी सुना बयान कर दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स के झूठे होने के लिए इतना ही काफी है। तो हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब आज की क्लास अटेंड करने के बाद कम से कम इतना होना चाहिए, बी केयरफुल, आप जो बयान कर रहे हैं उसमें कॉशियस रहिए, साबितशुदा बातें बयान करिए। हर चीज हदीस नबी नहीं होती, कोई चीज घड़ी हुई बात होती है, कोई ज़ईफ हदीस है, कंफर्म हो जाएगी तो मानेंगे, नहीं कंफर्म रहना नहीं मान सकते। ओके इंशाल्लाह। चलिए आज की पूरी क्लास के अभी बाद सही जवाब क्या है कि हाँ झूठा है वो चीज, हदीस की रोशनी में मैं जवाब ही, तो वो 71% लोगों का सही जवाब था इसमें। हाँ ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये सब के बाद लास्ट सेक्शन, सब समझाने के बाद भी बाज लोग नहीं मानते, बोले नहीं हदीस ज़ईफ़ है तो क्या हुआ, हदीस तो है, क्या बोलते हैं लोग मालूम है, बोले माँ बाप ज़ईफ़ हो जाएंगे तो छोड़ दोगे क्या उनको, हदीस ज़ईफ़ है तो क्यों छोड़ रहे हो। ज़ईफ़ का मतलब होता है कमजोर, अरबिक में खुलकल इंसान ज़ईफ़, अल्लाह ने कहा मैंने इंसान को बनाया है कमजोर, मतलब पैदा ही होते ज़ईफ़ मतलब कमजोर। तो यहाँ उर्दू का ज़ईफ़ और अरबी के ज़ईफ़ में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, उर्दू में ज़ईफ़ बुजुर्गों को कहते हैं और अरबी में ज़ईफ़ कमजोर को कहते हैं, यहाँ ज़ईफ़ हदीस यानी डाउटफुल बात। ओके, तो बाज लोग इसमें कुछ भी और नहीं समझते, बोले नहीं हदीस तो है ना। आइए ऐसे लोगों के लिए मैंने कुछ हदीसें यहाँ हमारे पास जमा है, जो जमा है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप देखिए मिसाल के तौर पर ये एक हदीस है, तबरानी में जमा है, सफेद कबूतर पालो, क्योंकि फैना दार फीहा दीकुल अबियद, जिस घर में सफेद मुर्गा हो मुर्गी हो, ला यक्रुबु है शैतान, उसके करीब शैतान नहीं आ सकता, वला साहिर ना जादूगर आ सकता, वला दुईदातु हौलहा ना उसके आसपास के मकानों के करीब आ सकता। तो हम उन्हें कहते हैं कि आप, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत लोग ज़ईफ़ हदीसें हैं बिदत करने में मानते हैं, बाज़ बिदतों के लिए हदीस सही हदीस में नहीं मिलता है, ज़ईफ़ हदीस मिल जाता। तो हम कहते हैं कि आप वो बिदत की हदीस मान रहे हो ना, साथ में एक सफेद कबूतर भी मान लो, लेकिन ये नहीं मानेंगे क्यों। तो हम उन्हें कहते हैं उसी वजह से हदीस सही नहीं है ना, वेरी गुड, उसी वजह से हम बाकी हदीसें जो सही नहीं है हम नहीं मानेंगे इंशाल्लाह। ओके इंशाल्लाह, ये बात बताने में एक मकसद है। मैं आपको एक और मिसाल बताऊं, मिसाल के तौर पर एक हदीस है कि अल्लाह खूबसूरत चेहरे वालों को काला करने की सजा नहीं देगा, यानी जहन्नम की आग में नहीं डाले। हाँ लेकिन क्या मामला है, हदीस ये है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कॉन्ट्रडिक्शन है, इस्लाम की तालीमात के खिलाफ ही हदीस घड़ी हुई है, झूठी हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, इन्नल्लाह ला यंज़िरु इल्ला अजसादिकुम, अल्लाह तुम्हारे जिस्मों की तरफ नहीं देखता, वला इल्ला सुवरिकुम, तुम्हारे चेहरों की तरफ नहीं देखता, वलाकिन यंज़िरु इल्ला कुलूबिकुम, अल्लाह तुम्हारे दिलों की तरफ देखता है, वा अमालिकुम, तुम्हारे अमाल की तरफ देखता है। हाँ तो कायदा ये है इस्लाम में ये कायदा है। उसी तरह तीन चीजें हैं जिनसे आंखों की रोशनी बढ़ती है, हाँ बिनाई बढ़ती है, एक हरी घास हरियाली, दूसरा बहता पानी और खूबसूरत चेहरा, उसको देखने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। लेकिन ये बात भी हदीस घड़ी हुई, ये बताने में मकसद क्या है, हम कुछ गोल्डन वर्ड सुनना चाहते हैं वो लोगों से जो हदीस से बोलते सब हदीस मानो, तो हम कहते हैं तुम ये हदीस मानोगे क्या, खूबसूरत चेहरे को देखने से आंखों की रोशनी बढ़ती है मानोगे, कि खूबसूरत चेहरे वालों को कालेपन का सजा नहीं मिलेगी। हाँ उसी तरह एक और है कि वो शख्स जो बच्चा जिना से पैदा होता है वो जन्नत नहीं जाएगा, और उसकी सात
नस्ले साथ पूछते उसके बाद की साथ पूछते भी जन्नत मिल जाएगी। ये भी हदीस है, मानेंगे आप नहीं मानेंगे? क्यों? गड़ी हुई हदीस, मौजू है, गड़ी हुई है। कुरान में क्या आता है, वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्रा उख़्रा, कोई बोझ उठाने वाला किसी और का बोझ नहीं उठाएगा, वो सात नस्ले नहीं जाएगी, कहां से आया? इस्लाम थोड़ी है, इस्लाम में ऐसा थोड़ी है कि सीन इनहेरिट हो रहा है, कि गुना जा रहा है, पैदाइश के तौर पर मिल रहा है, इस्लाम में नहीं है। उसी तरह एक और मिसाल, एक हदीस है कि जो गुनाह करे और उसमें उसे एहसास हो गया, अल्लाह ताला को पता चल गया, तो उसका गुनाह माफ कर दिया जाएगा, चाहे वो माफी ना मांगे तो भी। हाँ, तबरानी में हदीस है, हदीस क्या है, गड़ी हुई है, नहीं मानी है हदीस, ये ऑथेंटिक नहीं है, मौजू है, फैब्रिकेटेड है। इस्लाम में तो सिखाया गया तौबा करना पड़ेगा, यानी मतलब ये कि एहसास हो जाएगा, अल्लाह को पता चल गया तो तौबा की जरूरत नहीं, गुनाह ऐसे ही माफ हो जाएंगे, मतलब तौबा की जरूरत नहीं है। तो तौबा तो जरूरी कंपल्सरी है, हम कबीरा गुनाह तौबा के बगैर माफ नहीं होते। एक हदीस में आता है कि मेरी उम्मत में शख्स होगा जिसका नाम मोहम्मद इब्न इदरीस, वो मेरी उम्मत का इबलीस से ज्यादा नुकसान उसका होगा। इमाम शाफी का नाम है ये। मेरी उम्मत में एक शख्स होगा जिसका नाम है अबू हनीफा, वो मेरी उम्मत का चिराग होगा। क्या हदीस को मानेंगे? नहीं मानेंगे, हदीस गड़ी हुई है, मौजू हदीस है, किसी ने खड़ा है अपने इमाम के फेवर में, लेकिन बात सही नहीं है। उसी तरह बेशक मेरी उम्मत के लिए जहन्नम की गर्मी अला उम्मती का हर भी हमाम, हमाम की गर्मी की तरह होगी, हमाम में बाथरूम में गर्मी होती है ना, उतनी गर्मी होगी बस। हदीस मानेंगे? नहीं, ऑथेंटिक नहीं है, ये गड़ी हुई हदीस है। उसी तरह एक और है, मनसब अल अरब, जो अरब को गाली दे, फौलाए का हुमुल मुशिकून, वो मुशिकों में से, हाँ अरब को गाली दे दे तो मुशिकों में से। तो फैक्ट क्या है मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम कुछ गोल्डन वर्ड सुनना चाहते हैं। जो लोग कहते हैं ना हर सब हदीस मानेंगे, हम कहते हैं ये भी हदीस मानो, चलो आठ हदीसें यहाँ दी हुई और ये आठ सिर्फ सैंपल है, ऐसे और बहुत सारी है। फैक्ट क्या है ना, हम प्रिजर्व दीन में रहते हैं, हमारा जो दीन है ना महफूज दीन है, इसकी हिफाजत किसने की? अल्लाह ने की, ये प्रूफ वाला दीन। आप आज जो स्टडी किए तो एक थोड़ा सा झलक मिली आपको, बस इंट्रोडक्शन मिला, लेकिन कम से कम आप ये अप्रिशिएट करेंगे कि अगर मुहद्दिसीन में इख्तलाफ भी है ना, कोई हदीस, कोई मुहद्दिस कह रहा है ये हदीस सही है, कोई कह रहा है ज़ईफ है, वो ऐसे नहीं गुमान के बेसिस पे, खबर के बेसिस पे, मतलब जिन्होंने सही कहा हम कहेंगे ओके आपके पास कौन सी चेन ऑफ नरेशन है, आपके पास ये सनद है इसलिए आप सही कह रहे हैं, और जो ज़ईफ कह रहे हैं बोल रहे मुझे वो चेन ऑफ नरेशन मिली वो चेन ज़ईफ है, हम कहते हैं देखो ये चेन देखो, बोले हाँ ये चेन के हिसाब से सही हो सकती है। हो सकता है किसी के पास एक ही सनद है वो कह रहे ज़ईफ है, दूसरे के पास दो है वो कह रहे ज़ईफ प्लस ज़ईफ करके हसन तक जा रही है। कभी ऐसा हो रहा है कोई रावी है, कोई नरेटर है, ये कह रहे हैं आदिल है, वो कह रहे हैं नहीं वो आदिल नहीं है, देखो ये नरेशन मिला उनके बारे में, ऐसे थे झूठ बोलते हुए मिले थे, ये इनकी मेमोरी खराब थी, देखो ये प्रिजर्व ये इनका रिकॉर्ड है। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये प्रूफ वाला दीन है, यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा लेकिन आपको मिलेगा। कुरान में कायदा है और यही कायदे से मैं आज का लेक्चर खत्म करता हूँ और एक आपको बहुत अहम ऐलान दूंगा, दो ऐलान। फर्स्ट ये, पहले हदीस आयत सुन लीजिए, सूरह अंकबूत की आयत है सूरह 29 आयत नंबर 69, अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लदीना जाहदू फीना, जो मेरे रास्ते में जद्दोजहद करते हैं, लनहदियन्नहुम सुबुलना, अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम उसे उन्हें अपने रास्ते की हिदायत देंगे। अल्लाह ताला अपने रास्तों की हिदायत देंगे किसे? जो जद्दोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, हक जानने की कोशिश करते हैं। अब मान लो कि अगर मान लो 100 मसाइल में से आपने, मैंने, हमने 25 पे स्टडी किए, 25 समझ में आ जाएंगे, 40 पे किए, 40 समझ में आएंगे। अल्लाह हिदायत कब देगा? कोई कोशिश करेगा तब देगा, बैठे बैठे कोई बोले नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं आएगा समझ में, आपको स्ट्रगल करना होगा इंशाल्लाह। चलिए, तो ये आज का लेक्चर था। अब चंद ऐलान। फर्स्ट ऐलान, इंशाल्लाह कल आपको एक मैसेज मिलेगा जिसके अंदर ये एग्जाम का लिंक होगा, एग्जाम का लिंक। हमारी वेबसाइट है iicou.com, iic ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, इसमें आप जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह। तो कोर्सेज में कल आपको एक कोर्स वहां दिखाई देगा, हदीस वर्कशॉप, इंशाल्लाह लिंक आपको मॉर्निंग में मिलेगा। उसमें आप जाकर अगर एग्जाम देंगे तो आपको एक छोटी सी पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगी इंशाल्लाह, आफ्टर यू फिनिश द एग्जाम इंशाल्लाह। सर्टिफिकेट आई थिंक 2-3 दिन में अपलोड हो जाएगी, आई होप सो। तो आपको, आप एग्जाम दे सकते हो, जल्दी नहीं है ये, टाइम बाउंड नहीं है, आप जब चाहें दे सकते हैं, लेकिन अपने आप को चेक करने के लिए कि आज समझ में आपको क्या आया है इंशाल्लाह। हाँ, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड चीज, इसकी क्लास वीडियो भी आपको मिलेगी, आप दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं इंशाल्लाह। और प्लस इसकी एक अच्छी पॉलिश्ड वीडियो, एक बहुत एडिटेड बेहतर वाली वीडियो, वो आपको ट्यूजडे या वेनसडे मिलेगी इंशाल्लाह।
अगली चीज नोट्स आपको इंग्लिश उर्दू और रोमन में कल मिलेगी, और पावर पॉइंट इंग्लिश उर्दू दोनों की मिलेगी, इंग्लिश और रोमन दोनों की मिलेगी इंशाल्लाह। लास्टली ये जो आज आपने अटेंड किया ना, ये एक क्लास है, ऐसा पूरा सिलसिला चल रहा है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कोर्स, इसमें 15 टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं। आज जो टॉपिक था पांचवा टॉपिक था, चार टॉपिक हो चुके। अगर आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप हमारे वो हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करें और वहां पे वो कोर्स में भी अपने आप को एनरोल कराएं इंशाल्लाह। और लास्टली एक और चीज, मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो हमारे मुसलमानों में जो इतने सारे इख्तलाफ है ना, उसका हल ये टॉपिक से कहीं जाके कनेक्ट होता है। अगर लोग अकेडमिक बेसिस पे, अकेडमिक कि भाई क्या चीज है, प्रूफ आएगा हम सब सॉल्व करेंगे, आपके पास क्या प्रूफ है, मेरे पास ये हदीस, आपके पास कौन सी हदीस है, बैठ के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन तब करेंगे जब हम इस साइंस से दूर ना रहें। क्योंकि यहाँ क्या है, लोगों को डराया गया है, बोले हदीस है तो जंगल है, जंगल वहां जाके पूरे गुम हो जाओगे। अब क्या है भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन जो प्रूफ वाला दीन है, लई लुहा का नहारी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इसकी रात भी दिन जैसी रोशन है, मतलब रात भी जो हो ना, रात अंधेरे वाली होती है ना, लेकिन नहीं, दिन जैसी रोशन है, मतलब ये दीन के कुछ एंगल्स, कुछ चीजें होती है जो टेक्निकल डिफिकल्ट एरियाज होते हैं, वो भी बहुत क्लियर है। मेरे भाइयों, मेरी बहनें, हम वो प्रूफ वाले दीन में रहते हैं, इस चीज को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। सब तारीफ अल्लाह की, सब तारीफ अल्लाह की जिसने इस दीन की हिफाजत किया है, और हम उसी चीज के ताल्लुक से ताज्जुब करते हैं। लास्टली मैं खत्म करूंगा इस बात को लेकर कि क्या आपको पता है, ओरिएंटलिस्ट जो होते हैं ना, मुतफ़िकी, वो लोग भी जब पढ़ते हैं ना, वो लोग ताज्जुब करते हैं कि मुसलमानों ने क्या हिफाजत की। हकीकत में मुसलमानों ने नहीं किया है, ये करने वाला खुद अल्लाह है। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह हम सबको ईमान से नवाजे, ईमान पे कायम रहने की अल्लाह में तौफीक दे, दीन का इल्म सही सोर्सेस से हासिल करने की तौफीक दे, कुरान और सुन्नत पे अमल करने की तौफीक दे, दीन का पैगाम खुद भी अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक दे। आमीन। वा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।